लिख लिया था और हमने क्या क्या कुछ कंप्लीट कर लिया। फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, और हमने ये देखा था कि फंक्शन को इस्तेमाल करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है, चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने के लिए और रीयूजबिलिटी के लिए। अच्छा, उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि फंक्शन हम हमेशा खुद नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम खुद भी लिखते हैं फंक्शन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, वो किसी ना किसी ने लाइब्रेरी में लिख के रखे हुए हैं। क्योंकि जाहिर है, जो काम आप अभी आपको करना है, आप पहले बंदे तो नहीं है ना जो वो काम कर रहे हैं। आप पहले भी बहुत सारे लोगों को सेम चीज़ करने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो उन्होंने अपने लिए फंक्शन लिखा, उसको पब्लिक कर दिया उन्होंने। फिर इस तरह लाइब्रेरीज का क़याम अमल में आया, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कोड अपने पास रखा हुआ था लिख के, उसको पब्लिक करना शुरू किया, तो फिर बाकायदा इस पर कंपनीज बनना शुरू हो गई। इस वक्त कई हज़ार कंपनीज ऐसी हैं जिनका, यानी जो प्रोडक्ट है उनकी, वो लाइब्रेरी है। उनकी प्रोडक्ट क्या है? लाइब्रेरी है कोई ना कोई, और उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक्जियोस, हमने एक लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करके देखी थी लास्ट। ये एक्जियोस उन्हीं बहुत सारी कंपनीज में से एक कंपनी है जिसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? लाइब्रेरी है, ठीक है। इवन दो के गूगल, अमेजोन और IBM, इन ये भी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने भी बहुत सारी लाइब्रेरीज अपनी बना बना के मार्केट में छोड़ी भी है, ठीक है। इनका अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लोग यूज़ करेंगे हमारी लाइब्रेरी तो हमें याद रखेंगे। तो जैसे रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है जो हम थोड़ा सा कवर भी करेंगे इस क्लास में, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा करेंगे। वो फेसबुक ने बनाया है, अपने लिए बनाया था पहले, फिर पब्लिक कर दिया बाद में, ठीक है। इसी तरह एंगुलर के नाम से एक फ्रेमवर्क है, एंगुलर जो है वो गूगल ने बनाया है, गूगल का फ्रेमवर्क है वो। तो इस तरह बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो टोटली उनकी प्रोडक्ट है ही लाइब्रेरी, और कुछ है ही नहीं उनका, उसी से वो पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, लाइब्रेरी फ्री भी होती है और पेड भी होती है, ठीक है। लाइब्रेरीज़ जो हैं वो फ्री भी होती हैं और पेड भी होती हैं। वेल, हाँ, मोस्टली फ्री होती हैं, लेकिन कुछ पेड भी होती हैं। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताएं आप लोग कि ये कोड लिख लिया सब लोगों ने अपने हाथ से, चलाकर देख लिया, बन गया ये कोड आप लोगों से? जी, कोड समझ में नहीं आया? देन के आगे से नहीं समझ आया? भाई ये इसका सिंटैक्स है, इसको लिखने का सिंटैक्स यही है जो हमें किसने बताया? लाइब्रेरी वालों ने बताया। हर लाइब्रेरी का अपना एक सिंटैक्स होता है, उसको लिखने का एक तरीका होता है। तो इन्होंने बोला कि भाई आप ऐसे करके कॉल करोगे, अगर जो जो इंटरनेट पे जो कॉल लगा रहे हैं, जो URL लिखा है हमने, अगर वहाँ से रिस्पॉन्स आया ओके, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया, तो ये देन चलेगा। देन के अंदर जो कोड लिखा हुआ है ना, असल में फंक्शन है ये। देन के अंदर जो कोड है वो क्या है? वो फंक्शन है। अच्छा, बाय द वे, इस फंक्शन पे अगर आप गौर करें, ये कौन सा फंक्शन है? एनोनिमस फंक्शन है, सही है। इसको क्या किसी लाइ इसमें वेरिएबल में स्टोर किया है? मैंने नहीं किया। मैंने ये फंक्शन लिख के लाइब्रेरी के हवाले कर दिया। मैंने कहा भाई जब रिस्पॉन्स आ जाए ना, तो इस फंक्शन को चला देना, सही है। जब रिस्पॉन्स आ जाए, जो रिक्वेस्ट भेजी, क्योंकि इंटरनेट पे जब वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कोई पता नहीं होता कि रिस्पॉन्स कितनी देर में आएगा। समटाइम एक सेकंड में भी आ जाता है, समटाइम चार पाँच सेकंड भी लग जाते हैं, समटाइम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, पाँच पाँच मिनट भी लग जाता है समटाइम, ठीक है। बाय द वे, हम क्या करते हैं इस लाइब्रेरी के लेवल पे ना, क्योंकि हम तो नहीं कर रहे, वो लाइब्रेरी के ज़रिए कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी में ना एक डिफ़ॉल्ट टाइम आउट होता है। अगर उतनी देर तक रिस्पॉन्स ना आए ना, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट समझ लेता है कि अब नहीं आएगा, सही है। तो वो बाई डिफ़ॉल्ट एक होता है, मेरा ख्याल है कि 300 सेकेंड्स होता है, पता नहीं कुछ तरह होता है। तो उतनी देर तक अगर रिस्पॉन्स ना आया, तो ये समझ लेता है कि अच्छा भाई अब नहीं आता रिस्पॉन्स ही। तो ये एक एनोनिमस फंक्शन है। अच्छा, फिर इसी तरह एक एनोनिमस फंक्शन, ये नीचे एक और है, ये फंक्शन हमने लिख कर दे दिया कि भाई अगर एरर आ जाए इस API कॉल के दौरान किसी पे सिम का, तो ये वाला चला दो जो कैच में पास किया फंक्शन, सही है। तो ये इसका सिंटैक्स है, इसको कॉल करने का तरीका है ये। अच्छा, ये फंक्शन मैंने डायरेक्टली यहाँ पर बना दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फंक्शन अलग से बना के यहाँ पे पास कर दें आप, ठीक है। अलग से बना के कोई नाम रख दें उस फंक्शन का, अलग से बना दें और यहाँ पे लाके उसका नाम पास कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं आप, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन ये
जो एग्जाम्पल में उन्होंने इसी तरीके से किया था, तो मैंने उसी तरह एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया उसको यहाँ पर। तो लाइब्रेरी का जो सिंटैक्स है ना, उसको आपको ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर लाइब्रेरी का अपना सिंटैक्स है, और उस लाइब्रेरी को जब आप खोलेंगे ना, तो सामने एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने लिख कर बताया हुआ होता है कि भाई ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो हर लाइब्रेरी आपको एग्जाम्पल कोड देती है कि भाई ऐसे करके उसको चलाना है, आप वहाँ से उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, चल जाता है। अच्छा भाई, दबे होती वो जावास्क्रिप्ट में ही है वो, ये जो फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है ये जावास्क्रिप्ट ही है ना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो स्ट्रिंग मैंने पास किया ये भी जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर जो ये रिस्पॉन्स करके मुझे पैरामीटर मिलता है ये भी जावास्क्रिप्ट, तो होगा जावास्क्रिप्ट ही, कोई तीसरी दुनिया का कोड भी नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अपना उनका सिंटैक्स होता है सबका। अच्छा, ये जो देन लगा हुआ है ना, ये भी जावास्क्रिप्ट है, इसको हम कहते हैं कॉलबैक्स, सॉरी प्रोमिसेस कहते हैं इसको, ठीक है। अभी प्रोमिसेस को हम इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि प्रोमिस से एक ऊपर की चीज़ आ गई है जिसको बोलते हैं एसिंक अवेट, तो हम इंशाल्लाह एसिंक अवेट को डिस्कस करेंगे अगर हमें मौका मिला तो। वैसे इसमें शामिल तो नहीं है वो, क्योंकि हम बेसिक फंडामेंटल्स में नहीं आता वो एडवांस जावास्क्रिप्ट में आता है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे एसिंक अवेट को, ठीक है। अच्छा, इसको चलाने में कुछ लोग कह रहे थे प्रॉब्लम आ रही है, भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है जी दोस्त? हाँ तो सही है ना, कभी कभार एरर तो देगा, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट जब जाती है तो कभी कभी फेल होती है, दिस इज नॉर्मल है। अच्छा, 15-20 दफ़ा चलने के बाद एक दफ़ा सही चल रही है, नहीं ये तो आपके कोड में फिर कोई इशू है। अच्छा, आपने यू आर एल एज इट इज़ यही वाला लिखा था है, ये तो नहीं चलेगा ना, ये अच्छा वो तो तुमने ईमेल वेरीफाई नहीं किया होगा मे बी। अच्छा भाई देवी, ये जो ऐप एक आईडी मैंने लगाई है ना मेरे अकाउंट पे जो है, इसमें 100 रिक्वेस्ट अलाउ करते हैं, ये उसके बाद ये बंद हो जाता है, सही है, क्योंकि फ्री एपीआई में 100 रिक्वेस्ट अलाउ है, पता नहीं एक दिन में या एक घंटे में इस तरह कुछ है, 100 रिक्वेस्ट के बाद ये बंद हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद जो कॉल लगेगी वो पैसों वाली है। अच्छा, कुछ बिल्कुल फ्री भी है इसकी, अभी इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं ना, इन्होंने लिखी भी होगी यहाँ पर। ओपन वेदर एपीआई, और मैं इसकी प्राइसिंग में चला जाता हूँ, यहाँ पे मुझे बता देगा ये कितनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, ये देख रहे हो 60 कॉल पर मिनट, एक मिनट में 60 दफ़ा कॉल हो गई बस ख़त्म, और टोटल 1,000,000 एपीआई कॉल्स पर मंथ, यानी कलेक्टिवली पूरे महीने में 1,000,000 एपीआई कॉल आप कर सकते हैं फ्री में, तो काफ़ी है भाई दबाइए, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी है। लेकिन भाई दबे इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, क्यों? इमेजिन करें आपकी अगर कोई ऐप आपने बनाई, वो ऐप 1,00,000 यूज़र उस पर आ गया, ठीक है, 1,00,000 यूज़र आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आ जाते हैं नॉर्मली ऐप्स में ना, 1,00,000 यूज़र आ जाता है, तो 1,00,000 यूज़र अगर आता है और दिन में वो एक दफ़ा आपकी ऐप खोलता है अगर, तो 10 दिन में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक दिन खोलेगा 1,00,000 कॉल लग गई, अगले दिन एक दफ़ा खोलेगा तो 10 दिन में ये पूरा हो जाएगा आपका, सही है। अगर 1,00,000 यूज़र आपके पास आ गया आपके क्या कहते हैं ऐप के ऊपर, और डेली आपकी ऐप एक दफ़ा वो ओपन कर पाए, तो उसके बाद आप देखें जो पेड वाली इनकी सब्सक्रिप्शन है उस पर कितना इन्होंने कर दिया, 100,00,000, यानी 10,00,000 से 100,00,000 पे ले गए। और इसकी जो फीस है वो क्या है, 30 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, 30 पाउंड है। अब जाहिर है इसको जब आप परचेज करेंगे तो ये डॉलर में कन्वर्ट करके आपसे चार्ज कर लेगा जो भी करना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1,000,00,000 है, ठीक है, यानी कि 100 मिलियन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 बिलियन कॉल, ये प्रोफेशनल है। और उसके बाद है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में कितना है, 5 बिलियन कॉल्स है पर मंथ, टोटल 5 बिलियन कॉल। तो 5 बिलियन कॉल अगर आप वाला प्लान आप ले लेते हैं तो दुनिया की टोटल आबादी है 7 बिलियन, और फेसबुक के और गूगल के पास जो यूज़र्स हैं ना वो 2 बिलियन के अराउंड है कुछ, फेसबुक पे जो कलेक्टिवली पूरे यूज़र हैं, और गूगल भी ये क्लेम करता है कि हमारे 2 बिलियन एक्टिव यूज़र हैं एंड्रॉयड के, ये उसके नहीं मतलब google.com के नहीं, गूगल के तो ज़्यादा होंगे, जीमेल के ज़्यादा यूज़र होंगे, तो
इमेजिन करें कि आप कोई ऐप अगर बनाते हैं वेदर की ऐप, और आधी दुनिया यानी 7 बिलियन में से 3.5 बिलियन लोग आपकी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, और दिन में एक बार आपकी ऐप खोलते हैं अगर, क्योंकि वेदर ऐप दिन में एक बार ही खोलता है बंदा, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार खोल लेगा, उससे ज़्यादा नहीं खोलता, तो एक दिन में आपके कितने हो जाएंगे, 3 बिलियन कॉल हो जाएगी। तो मे बी इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़े, मे बी। वैसे इतना ये होना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट कि आपकी कोई ऐप हो वो पूरी दुनिया उसको यूज़ करने लग जाए, या आधी दुनिया भी यूज़ करने लग जाए। अगर दुनिया की टोटल आबादी का 2% भी आपकी ऐप यूज़ करे ना, तो ये भी अच्छा खासा नंबर बनता है, बहुत बड़ा फिगर होता है। वेल, ये तो हो गई ऐसी एक साइड की बात। अच्छा, और किसी को API में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या बना लिया आप लोगों ने अभी तक, इतना ही कोड लिखा है या इसके आगे भी कुछ लिखा है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, अब यही टॉपिक हमारा आज का है। इसको ज़रा मैं चला के दिखा देता हूँ एक बार, और हम अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। ये मैंने जनाब इस ऐप को ओपन कर लिया, और इस ऐप को ओपन करके मैं कॉन्सोल पे चला गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कराची और गेट वेदर का बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स तो आ जाता है, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स मेरे पास आता है ये क्या है, ये एरे तो नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, नंबर स्ट्रिंग बूलियन एरे, ये उन चारों में से कोई भी नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, नंबर स्ट्रिंग बूलियन एरे, और पांचवा ये डेटा टाइप आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये चीज़ आप याद रखें कि जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट हैं, या उसको हम प्यार से जेसन भी कहते हैं, जेसन, JSON, ठीक है, अक्सर जगह आपको सुनने में मिलता होगा ये जो जेसन है। अच्छा, जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसन स्टैंड फॉर दिस। तो जेसन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंटरनेट पे जब हम कोई भी कॉल करते हैं तो उस रिक्वेस्ट में जो डेटा रख के भेजा जाता है ना इंटरनेट पे, वो जेसन में रख के भेजा जाता है, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है फिर वो भी जेसन में आता है। अच्छा, जेसन के अलावा हैं और भी तरीके हैं उसको रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स हो, लेकिन जेसन सबसे पॉपुलर है। इवन दो कि अगर आईफोन की भी ऐप बन रही है, तो आईफोन की जो ऐप बनती है वो स्विफ्ट में बनती है, तो स्विफ्ट के अंदर बिल्ट इन सपोर्ट इसकी मौजूद नहीं होती, लाइब्रेरी के जरिए करना पड़ता है। ठीक है, उसके अंदर ये जेसन सपोर्ट नहीं होता बाय डिफॉल्ट, उसमें सपोर्ट लाइब्रेरी के जरिए करना पड़ता है। तो इस वक्त जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो जिनको मैं जानता हूँ अभी तक, उन सब में जेसन की सपोर्ट के लिए लाइब्रेरी मौजूद है। ठीक है, जैसे पाइथन है, पाइथन में जेसन नहीं होता उसके अंदर, उसके अंदर भी होता है एक ऑब्जेक्ट उनका, लेकिन वो थोड़ा डिक्शनरी होती है उसके अंदर। ठीक है, डिक्शनरी जैसा ही होता है ये, लेकिन ज़ाहिर है डिक्शनरी से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, कुछ चीज़ें सेम भी हैं डिक्शनरी से। तो ये डिक्शनरी टाइप का एक डेटा टाइप है। तकरीबन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने देखी है अभी तक, उन सब में इसकी सपोर्ट मौजूद है। क्यों? कि चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो चैटबॉट हो, चाहे वो IoT की कोई डिवाइस हो, जब वो इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करती है तो सबसे पॉपुलर जो तरीका है ना डेटा को रख के भेजने का, वो जेसन है इसमें। ठीक है, तो जेसन में डेटा को रखा जाता है उस रिक्वेस्ट के अंदर, और उसको भेजा जाता है इंटरनेट पर, और वहाँ से जब रिस्पॉन्स आता है तो सर्वर भी किस में भेजता है, जेसन में रख के भेजता है। अच्छा, इस तरह की जो API होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्टफुल API। ठीक है, ऐसी ऐसा सर्वर जो जेसन में रिक्वेस्ट लेता है और जेसन में ही रिस्पॉन्स भी देता है, उस तरह के सर्वर को हम क्या कहते हैं, रेस्टफुल सर्वर या REST API। ठीक है, अभी रेस्टफुल सर्वर की 5 क्वालिटीज़ होती हैं कि अगर किसी सर्वर में वो मौजूद हो वो 5 क्वालिटीज़, तो फिर हम उसको रेस्टफुल कहते हैं। ये उनमें से एक क्वालिटी मैंने अभी आपको बताई है, बाकी इंशाल्लाह हम सर्वर पढ़ेंगे ना तो उस वक्त डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो REST API इज़ द मोस्ट पॉपुलर API, मोस्ट पॉपुलर वे टू बिल्ड सर्वर्स, और यही वजह है कि मैं ऑब्जेक्ट पढ़ाने से पहले आपको ये बात बता रहा हूँ, ताकि ऑब्जेक्ट को आप बहुत सीरियसली पढ़ें,
क्योंकि बाकी है जितना भी कोर्स है हमारा उसमें सब में ना इंटरनेट से अब कम्युनिकेशन शुरू होने वाली है हमारी। ये पहली कम्युनिकेशन कल हमने लास्ट क्लास में कर ली थी जिसमें हमने किसी दूसरे का सर्वर कॉल किया था, ओपन वेदर एपीआई किसी ने बना के रखी थी, एपीआई किसी का सर्वर है, वो उसको ऑन करके उसको पावर दे के इंटरनेट दे के उन्होंने रखा हुआ है, कहते हैं थोड़ा बहुत फ्री है बाकी पैसों का। तो ये सर्वर को जब हमने कॉल किया तो हमने इसको कोई रिक्वेस्ट में कुछ भेजा तो नहीं है, हमने तो बस उसका नाम भेजा है सिटी का, रिस्पॉन्स हमारे पास जेसन में आया है और हमने वो प्रिंट करवाया। अभी हम इसको जानते भी नहीं है कि ये रिस्पॉन्स में जो है ये है क्या, अभी समझेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। तो हम बहुत जल्दी इन नियर फ्यूचर अगली कुछ क्लासेस में अपना सर्वर हम इस तरह का बनाने वाले हैं, जैसे ये ओपन वेदर एपीआई का सर्वर कॉल करते हैं, हम अपना खुद का सर्वर बनाने वाले हैं और उसको हम डिप्लॉय करेंगे कहाँ पर, या तो हरिको पे या गूगल क्लाउड पे, किसी जगह क्लाउड पे उसको डिप्लॉय करेंगे। और फिर अभी हम वेदर का सर्वर कॉल कर रहे हैं किसी दूसरे का, हम अपना सर्वर फिर कॉल कर रहे होंगे। तो बकिया जितना भी कोर्स बचा हुआ है ना उस पूरे कोर्स में हम यही काम कर रहे होंगे कि हम क्या करेंगे, हमारा खुद का एक सर्वर बना हुआ होगा, एक फ्रंट एंड होगा हमारा जो HTML CSS JavaScript पे होगा, इससे हम उस सर्वर को कॉल करेंगे, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, फिर उस सर्वर से पीछे डेटाबेस कनेक्टेड होगा, जब यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर पे तो सर्वर उसको क्या करेगा, उस डेटा को डेटाबेस में सेव कर देगा। तो ये एक बिगर पिक्चर मैंने आपको बता दी कि आगे हम क्या करने वाले हैं, और इस वजह से जेसन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। वेल, आ जाते हैं हम ज़रा, और मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया नया ES6 ऑब्जेक्ट्स, सही है, और यहाँ पे मैंने जेसन भी लिख दिया ब्रैकेट में। इनडेप्थ हटा देते हैं, इनडेप्थ अगली क्लास में करेंगे। अच्छा जी, तो जो जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाने का तरीका क्या है, बहुत आसान है क्योंकि ये भी एक डेटा टाइप है, ये भी एक वेरिएबल है। तो सबसे पहले लेट वेरिएबल बनाने के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है लेट, उसके बाद एक नाम, नाम क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट में भी कोई भी आप नाम रख सकते हैं, ये नाम आपकी मर्जी का कोई भी नाम हो सकता है, और इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वही वाली हैं जो एक वेरिएबल के नाम में होती है। अच्छा, उसके बाद एरे के लिए क्या होता था, स्क्वायर ब्रैकेट ना, इसके लिए कर्ली ब्रैकेट है, एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होता था, इसके लिए कर्ली ब्रैकेट है। अच्छा, फिर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कॉमा सेपरेटेड, बल्कि मैं ऊपर ना एक वो भी बना देता हूँ, लेट माई नंबर्स, एक एरे भी बना देता हूँ जस्ट टू रिकॉल, 2, 3, 1, 4 एक एरे बना दिया मैंने ऊपर ताकि मैं कंपैरिजन करवा सकूँ कि एरे से ये कैसे मुख्तलिफ है। अच्छा, स्टूडेंट के अंदर ऑन अदर हैंड जो ऑब्जेक्ट है इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, एरे में सिर्फ वैल्यू होती थी, कॉमा कॉमा डाल के सारी लाइन से वैल्यू पड़ी हुई होती थी, हम डिपेंडेंट किस पे होते थे कि वो किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है, हम इस पर डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर वैल्यू का एक नाम होता है, यानी एक की होगी एक वैल्यू होगा, फिर एक की होगी एक वैल्यू होगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा नेम इक्वल्स टू जॉन, एक हो गया, कॉमा क्लास इक्वल्स टू साइंस। अच्छा, ये लाइन थोड़ी लंबी हो रही है ना, तो मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ ना लाइन को, सही है, ये मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया। अच्छा, बाय द वे प्रोग्रामिंग के अंदर ना एक कन्वेंशन है, एक डिज़ाइन गाइडलाइन है कि अगर आपका 40 कैरेक्टर से आगे निकल जाए ना, ये जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ये 40 कैरेक्टर से आगे नहीं जाना चाहिए। फिर बाद में इसको बढ़ा के कुछ लोगों ने कहा यार 80 कैरेक्टर तक भी चलेगा, लेकिन 80 कैरेक्टर से आगे जब जाता है तो आपको क्या करना होता है, लाइन को ब्रेक करना होता है, ये डिज़ाइन गाइडलाइन है। इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, आपका कोड खुद को भी समझ आता है, आपको कल को कोई और पढ़ेगा तो भी समझ आता है। तो ये जो मैं लाइन ब्रेक करता हूँ ये मैं मतलब ऐसे
अपनी मर्जी से नहीं कर रहा होता, ये असल में एक डिज़ाइन गाइडलाइन है जो आपको कहती है कि आपका जो कोड है ना वो आइडियली कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, यानी ऐसे जो है आपका 40 कैरेक्टर तक होना चाहिए आइडियली, जो सी लैंग्वेज के ज़माने में हमें पढ़ाया गया था। लेकिन अभी जो उसको बढ़ा के वो कहते हैं कि यार 80 लाइन तक भी अगर हो ना तो चलेगा, डिफरेंट लोगों का मुख्तलिफ ख्याल है, तो 80 कैरेक्टर से लेकिन आगे नहीं होना चाहिए, वो फिर मसला है। 100 कैरेक्टर तक अगर चला जाता है मजबूरी के तहत, तो मतलब 100 कैरेक्टर तक जाना उसके लिए थोड़ा एक इशू है, आप कोशिश करें उसको रिड्यूस, क्योंकि अगर आपके पास ना हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ गया, ये देख रहे हैं जैसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, जो आपको अगर कोड को देखने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना, तो उसमें टाइम बहुत ज़ाया होता है और कोड समझ में नहीं आता, ग्लिम्स मतलब एक नज़र में कोड समझ नहीं आता, तो आप स्क्रॉल ही करते रहते हैं। अभी तो खैर मैंने जूम इन बहुत ज़्यादा किया हुआ है, इस वजह से मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आया हुआ है, जूम इन क्या करके के कैसे के ऑल्ट जेड की कैसे ऑल्ट जेड, अच्छा ऑल्ट जेड से ख़त्म हो जाता है, ये क्या था, एक मिनट, नहीं अब मगर ये आगे जाएगी लाइन तो क्या करेगा, ये तो बन रहा है, ऑल्ट जेड दबा दिया मैंने, ये तो फॉर वही ना खुद से कर देता है लाइन ब्रेक, मुझे नहीं करना पड़ रहा, खुद से कर देता है ये, लेकिन अल्टीमेटली करना पड़ रहा है, ये तो कोड एडिटर ने चलो एक फैसिलिटी दी हुई है, थैंक यू आपने मुझे बताया, ये मुझे बात पता नहीं थी कि ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो कोड एडिटर में इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोड एडिटर में ये फैसिलिटी दी गई है कि आप बजाय इसके खुद से सोचें हाथ वक्त लगाएं उसको आप दबाएँ वो ऑटो, जैसे इंडेंटेशन होती है, इंडेंटेशन जो है ना अगर मैं सारा कोड ऐसे लिखूँ अगर, तो ये कोड ना समझ से बाहर है, तो इसके लिए भी वैसे हम सी लैंग्वेज के ज़माने में हाथ से करते थे, ठीक है, उस टाइम जो वो टर्बो सी का एडिटर होता था ब्लू स्क्रीन वाला, जो मैंने पहली लैंग्वेज सीखी थी अपनी ज़िंदगी में, उसमें ये शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं होते थे, तो लेकिन अभी ये शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट प्रेस करता हूँ ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाता है, तो ये कोड एडिटर में ये जो फैसिलिटीज़ रखी गई हैं ये उन्हीं गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है। अच्छा तो हमने अब क्या करना है, हमने ये सीख लिया है कि ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे हैं, हमने क्या सीख लिया, ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे हैं, स्टूडेंट नाम लिखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और की वैल्यू पेयर होगा इसके अंदर, ठीक है, अनलाइक एरे, अगर एरे में यही बात लिखी हुई होती तो कैसे होती, एरे में होती ऐसे जॉन, सही है, और साइंस ऐसे लिखते हैं ना एरे में अगर लिखते तो, लेकिन यहाँ पे की वैल्यू पेयर है। अच्छा ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें रखवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो एरे में रखवा सकते हैं वो ऑब्जेक्ट में भी रखवा सकते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर नंबर, ठीक है, 30, उसके अलावा बूलियन इज मैरिड, ठीक है, तो बूलियन रखवा सकते हैं, उसके अलावा एरे रखवा सकते हैं, सब्जेक्ट्स, ठीक है, एरे रखवा सकते हैं, इसके अंदर हम सब्जेक्ट में रखवा दिया ABC कॉमा DEF, ठीक है, एरे इसके अंदर रखवा दिया मैंने। अच्छा इसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी रखवा सकते हैं, मैंने कहा कि भाई कोई भी इसका नाम रखा मैंने Key1 और उसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखवा दिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा एक दोबारा से उसी तरह होगा, यानी एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और पूरा की वैल्यू, जैसे एरे के अंदर एक और एरे रखवा सकते हैं उसी तरीके से। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने ऑब्जेक्ट को बनाना सीख लिया और हमने ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप रखवा सकते हैं, तमाम डेटा टाइप, ठीक है, एरे के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर तमाम डेटा टाइप रखवा सकता हूँ मैं। अच्छा लास्ट क्लास में मैंने ये जिक्र किया था कि फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट क्लास सिटीज़न होता है, ये हमने बात डिस्कस की थी ना, उसका मतलब क्या होता है कि उसको वेरिएबल में स्टोर किया जा सके, ठीक है, तो एरे के अंदर भी हम फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं, हमने उस वक्त क्योंकि ये बात पढ़ी नहीं थी, तो एरे के एक इंडेक्स पे मैं फंक्शन भी रख सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन भी एक वेरिएबल की तरह ही होता है, डेटा टाइप की तरह ही होता है, तो इस पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, डू रन ऐसे मैंने लिखा और ऐसे करके क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया ES6 वाला,
ठीक है, तो ये इसमें फंक्शन भी रखवा सकता हूँ मैं, और मैं एरे में भी ये काम करवा सकता था। वेल अभी फंक्शन को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज ना कर देंगे, और इस एरे को भी हटा देते हैं, ठीक है। अभी हम इतने को रखते हैं। कौन ये सोच के बताएगा कि मेमोरी में ये कितनी जगह ले रहा है? ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितनी जगह लेगा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट? हाँ, एक वेरिएबल तो अलग अलग होता है ना, नंबर का वेरिएबल होता है वो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट होता है, स्ट्रिंग जो होता है वो पर कैरेक्टर 2 बाइट लेता है जावास्क्रिप्ट में, बूलियन जो है वो 1 बिट लेता है। थ्योरेटिकल बात हो रही है, प्रैक्टिकली तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लेते हैं ये, जो मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ। तो ऑब्जेक्ट कितनी जगह लेगा? अच्छा, एरे कितनी जगह लेगा? हमने ये लास्ट क्लास वाले में एरे जब पढ़ रहे थे तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये एरे मेमोरी में जगह कितनी लेगा। तो उस वक्त हमने क्या रियलाइज़ किया था कि एरे खुद कोई जगह नहीं लेता है, एरे के अंदर जो डेटा होता है ना वो जगह लेता है। एरे के अंदर जो डेटा होता है स्टोर हुआ, ये हमने की है ना मेमोरी वाली डिस्कस, बाइनरी वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो ऑब्जेक्ट में भी इसी तरह है कि ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कोई जगह नहीं लेता, इसके अंदर जो डेटा है ना ये कितना ले रहा है? 4 कैरेक्टर हैं तो 8 बाइट, ठीक है। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैरेक्टर हैं तो 14 बाइट, 14, 8, 22 हो गया ये, 22 के बाद 64, 8 इसने ले लिया तो पूरे 30 हो गए, और 30 के बाद 30 बाइट और 1 बिट, ये थियोरेटिकली ये जगह ले रहा होगा। तो जितना इसके अंदर डेटा होगा ना ये उतनी जगह लेगा, मैं डेटा ऐड करता जाऊंगा ये मजीद जगह लेता चला जाएगा, ठीक है। एरे और ऑब्जेक्ट जो है वो डायनेमिक होते हैं, उसमें मैं जाहिर है एरे में बाद में पुश भी करवा सकता हूँ मैं, तो जैसे जैसे पुश करवाऊंगा वो मेमोरी में जगह अपनी बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। और यही वजह है कि वो कंस्ट्रक्ट है, वो खुद इटसेल्फ, हमने देखा था कि कुछ वेरिएबल होते हैं जो नेटिव होते हैं। नेटिव का ये केस होता है कि एक बार डिक्लेयर हो गया ना तो वो अपनी जगह फिक्स रखता है, जो नंबर बूलियन और स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग अपनी जगह चेंज नहीं कर सकता, जितनी मिल गई उतनी रहेगी, ठीक है। इम्यूटेबल होता है, काइंड ऑफ इम्यूटेबल एक कॉन्सेप्ट है, वो आप अलग से देख लीजिएगा। तो स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में भी इम्यूटेबल होता है। अच्छा, तो इम्यूटेबल का मतलब ये होता है, बाय द वे दो जुमले में बता दूँ कि अगर ये लिखा हुआ है ना जॉन, अब मैं जॉन के अंदर अगर ऐड करूँगा ना आगे आई जॉनी, इसको बनाता हूँ मैं, तो वो जॉन पूरा मेमोरी से डिलीट होगा और एक नई जगह मिलेगी उसको वो जॉनी के लिए, समझ लो। चेंज नहीं होगा, जो मिल गया वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये जावा में भी इसी तरह होता है, सी शार्प में भी इसी तरह होता है, सब लैंग्वेजेस में इसी तरह होता है, ठीक है। क्योंकि ये नेटिव है, इसकी जगह चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है, डायनेमिक नहीं होता। ये कंस्ट्रक्ट वाले जितने हैं ना, हमने कंस्ट्रक्ट वाले 2 डेटा टाइप पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट में, जो 2 ही होते हैं, एक एरे एक ऑब्जेक्ट, इन दोनों की मेमोरी डायनेमिक होती है, हम जितना डेटा डालते जाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा इसका साइज, ठीक है। अच्छा, अब आप सब लोग नमाज पढ़ने चले जाएं, नमाज पढ़ के जब आप वापस आएंगे तो हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, इसको एक्सेस करना सीखेंगे और इसको मॉडिफाई करना सीखेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, हमने अभी तक ये देख लिया है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे होती हैं, नेम्ड वैल्यूज़ होती हैं या की वैल्यू का पेयर होता है। अच्छा, इसको एक्सेस हम कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे मुझे स्टूडेंट को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा कॉन्सोल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे एरे को हम डायरेक्ट स्क्रीन पर ही प्रिंट करवा सकते, इसी तरह हम पूरे ऑब्जेक्ट को भी स्क्रीन पर डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा सकते, कॉन्सोल भी ऑन अदर एंड ये पूरा प्रिंट हो जाता है। अच्छा, तो मैंने लिखा कॉन्सोल डॉट लॉग और मैंने स्टूडेंट को पूरे को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं कि ये दिखता कैसा है प्रिंट होने के बाद। अच्छा, ये वाला मैं फाइल भी ओपन कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, और ये मैंने यहाँ ओपन कर लिया, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है प्रिंट होने के बाद। यहाँ पर API से जो रिस्पॉन्स आया था वो भी कुछ ऐसा ही लग रहा था देखने में, है ना। अच्छा, अब मुझे अगर इस नेम प्रिंट करवाना है स्टूडेंट का नेम, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा जैसे मैं एरे में लगाता था, लेकिन एरे में क्या लिखता था मैं, इंडेक्स, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, नाम लिखूंगा, मैंने कहा कि भाई नेम, ठीक है, इस तरह से करके लिखूंगा। आसान है, मुश्किल तो नहीं है,
एरे के अंदर मैं यहाँ पे नंबर लिख देता था ना, जीरो या वन ऐसे लिखता था। अब मैं यहाँ पे क्योंकि नेम है तो मैं नेम लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसकी जगह क्लास को प्रिंट करवाना था तो मैं क्लास लिख देता, ठीक है। तो अभी इसके यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, अभी जब ये कोड चलेगा तो साइंस प्रिंट हो जाना चाहिए, देखते हैं होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो साइंस प्रिंट हो गया, आसान है, मुश्किल तो नहीं है कोई। अच्छा, इसी का एक तरीका और भी है जिसको हम क्या कहते हैं, डॉट नोटेशन। इसको हम ना ऐसे डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है, दोनों तरीके सही हैं। तो आप डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखो मैं डॉट लगाऊंगा तो भी साइंस उसी तरह से प्रिंट हुआ। तो इसको एक्सेस करने के ये दोनों तरीके हमने देख लिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मुझे एज इसकी प्रिंट करवानी है तो मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट डॉट एज लिख दूंगा, ठीक है। डॉट भी लगा सकता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ, दोनों सही है। अच्छा, एज लिखने से मुझे क्या प्रिंट कर देगा, ये जो भी उसकी वैल्यू होगी। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे लिख दूँ जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि डॉट ए बी सी, ठीक है, जो कि इसमें मौजूद नहीं है, या डॉट वेदर, वेदर इसके अंदर नहीं है मौजूद, यहाँ पे ये अनडिफाइन दे देना चाहिए उसको, ठीक है, अनडिफाइन। अच्छा, अब इमेजिन करेंगे इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट और है, वेदर के नाम से एक ऑब्जेक्ट अब मैं बना देता हूँ इसमें, ठीक है। वेदर के अंदर क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर 30 मिसाल के तौर पर, एक है मिन, मिन मैंने कहा कि 25 है, और मैक्स मेरे पास है 32। अब मैं डॉट वेदर लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मुझे। अच्छा, इसके अंदर मुझे ये टेम्प को अगर एक्सेस करना है तो क्या करूँगा, वेदर के आगे मैं डॉट टेम्प लगा दूंगा, ठीक है। नेस्टेड एक के अंदर एक अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम ये कर देते हैं इस तरह। अच्छा, ये अगर इस वाले तरीके से करना होगा तो कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा डॉट वेदर और उसके आगे ऐसे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डॉट टेम्प लिखूंगा। ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, दोनों तरीके हैं इसको एक्सेस करने के, ठीक है। अगर सिंगल लेवल पे होगा तो ऐसे, और अगर एक के अंदर एक और होगा तो जितना भी लंबा होता चला जाए हम लिख सकते हैं ऐसे। आगे ज़रा इसको हम चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया, इस पे भी 30 प्रिंट हुआ, इस पे भी 30 प्रिंट हुआ, सही है, आसान है बिल्कुल, मुश्किल तो कोई नहीं इसमें चीज़ अभी। अच्छा, अब इसको अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। मॉडिफाई करने का तरीका बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एरे में किया करते थे। मिसाल के तौर पर मैंने क्या करना है, ये टेम्प जो मैंने प्रिंट करवाया था इसको मैंने चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे आया टेम्प पे, मैंने लिखा कि 10, ठीक है, 10 डिग्री कर दिया। और अब मैं जब इसको प्रिंट करवाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 10 मिलेगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, सही है। तो इस तरह मैं इसकी किसी भी वैल्यू को चेंज भी करवा सकता हूँ। अब इससे मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। इस ऑब्जेक्ट को ना और से देख लें, और इससे मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। हाँ, डिलीट अगर करना हो तो एरे के अंदर डिलीट कैसे करते थे, लूप इस पे आमतौर पे चलाया नहीं जाता, लेकिन अभी बताता हूँ मैं वो भी। लूप आमतौर पे ना ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन सवाल अच्छा है आपका, अभी देखते हैं उसको भी। इसके अलावा कोई सवाल किसी का, हाँ, डिलीट करवाने का मैं बता रहा था। मिसाल के तौर पर मुझे अगर डिलीट करवाना है तो मैं क्या लिखूँगा, एक तो तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे करके अनडिफाइन कर दूँ तो वो अनडिफाइन उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। एक तरीका और ये भी है कि मैं क्या करूँगा, डिलीट लिख के स्पेस डाल के ये पूरी उसको वैल्यू दे दूँगा तो इससे भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर डिलीट की भी ज़रूरत मुझे तो नहीं पड़ी आज तक कभी, डिलीट करवाने की ज़रूरत, ठीक है, डिलीट की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ती है। हम आमतौर पर ये करते हैं कि हम उसका एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इसके अंदर से ना अगर दो आइटम चाहिए, ये दो आइटम, और इस दो आइटम का मुझे एक दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इन दो आइटम को उठाता हूँ और एक दूसरा ऑब्जेक्ट तैयार कर लेता हूँ, बजाय इसके कि एग्जिस्टिंग वाले से मैं चीज़ें डिलीट करूँ, ठीक है। आमतौर पर ये किया जाता है, तो डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन तरीका मौजूद है। डुप्लीकेशन मतलब
ये इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या एक ही की के साथ दो वैल्यू हो सकती है, कि नेम एक दफ़ा जॉन लिखा हुआ, एक दफ़ा मलिक लिखा हुआ, क्या ये हो सकता है? इसका जवाब है नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? कि ये डिपेंड उसमें तो एरे में तो उसके इंडेक्स पे डिपेंडेंट होता था, तो इसमें है नेम पे डिपेंडेंट। अगर मैं नेम लिखूंगा तो नेम में मुझे एक वैल्यू मिलनी चाहिए, दो नहीं मिल सकती। ठीक है, इस पर कुछ ये दे भी रहा है, अच्छा नहीं, अननोन वर्ड। इस पर ये कोई ना कोई एरर देगा, बहरहाल ये चीज़ अलाउ नहीं है। चला के देखते हैं क्या एरर देता है। अच्छा, एरर तो नहीं दिया इसने, तो अच्छा ऐसा है, देख लेते हैं। मैं इस पर डॉट नेम कॉल करता हूँ, देखते हैं क्या देता है मुझे। नया वाला दिया इसने। अच्छा, तो ये है कि अगर दो कीज़ होती हैं तो पुराने को डिलीट कर देता है ये। ठीक है, ये मुझे भी बात पता नहीं थी, मुझे भी आज ही पता चली है। मेरा ये ख्याल था कि डुप्लीकेट कीज़ अगर हो जाए तो वो एरर दे देता है, एरर दे देना चाहिए उसको। वेल, तो हमने ये देखा कि की रहेगी एक ही, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर दूसरी आती है तो पुराने वाले को हटा के दूसरी आती है। और किसी का कोई सवाल इसमें? एक सवाल मेरे पास आया है कि लूप कैसे चलेगा, वो भी हम देखते हैं। नया डेटा इसके अंदर डालना हो, हाँ ये एक अच्छा सवाल है कि ऐसी कोई चीज़ इसमें डालनी हो जो पहले से इसमें मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे ये तीन वैल्यूज़ हैं, मुझे इसके साथ ह्यूमिडिटी इसमें ऐड करनी है। टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम तो मौजूद है, इसमें ह्यूमिडिटी मौजूद करनी है, उसमें मौजूद ही नहीं है पहले से। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट लिखूँगा ह्यूमिडिटी लिखूँगा, और ह्यूमिडिटी के आगे मैं 80 लिखूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली जाके उसमें क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। वेदर को प्रिंट करवाऊँगा तो उसमें ह्यूमिडिटी भी अब आ रही होगी। ठीक है, मैंने प्रिंट करवाया, देखो ह्यूमिडिटी भी अब आ रही है, सही है। तो जो चीज़ मौजूद नहीं है उसकी अगर नाम से मैं की लिखूँगा और डेटा डालूंगा तो वो की खुद से क्रिएट हो जाएगी उसमें। अच्छा, तो मेरा ख्याल है गुड इनफ हमने कर लिया ये। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं इतने कोड को। अब एक चीज़ हम ज़रा देख लेते हैं, मैं नीचे उसी ऑब्जेक्ट को एक उठा के ले आता हूँ ज़रा, और हम एक एक्सरसाइज करके देखते हैं इसके साथ। अच्छा, अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने कहा लेट कॉपी इक्वल्स स्टूडेंट। ठीक है, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, उसमें क्या रखवा दिया, स्टूडेंट पूरा का पूरा उस वेरिएबल में रखवा दिया मैंने। अब मैं बोलता हूँ कि यार कॉपी डॉट, ठीक है, नेम, कॉपी के अंदर जो नेम था उसको मैंने बोला चेंज कर दो, और वो क्या कर दो, मलिक, नाम चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, और मैंने उसको कंसोल करवा दिया, किसको, कॉपी को। तो अब जो कॉपी कंसोल होगा वो पूरा का पूरा यही ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन नाम उसमें क्या होगा, चेंज हो चुका होगा, क्योंकि मैंने कॉपी के अंदर डॉट लगा के नाम चेंज कर दिया है। इसको चला के देखते हैं। ठीक है, तो कॉपी के अंदर जो नेम था वो, अच्छा आप ये नोट कीजिए यहाँ पे ना, ये उस सीक्वेंस से प्रिंट नहीं हो रहा जिस सीक्वेंस से मैंने लिखा हुआ है, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में उसको यानी ले रहा है। तो क्योंकि ये सीक्वेंस पे वैसे भी डिपेंड नहीं करता, ये की पे डिपेंड करता है, तो की अगर पहले हो जाए बाद में हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, की मौजूद है, दिस इज़ द थिंग। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसने नाम को चेंज कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कॉपी में डॉट नेम लगा के उसको चेंज किया था। अच्छा, साथ साथ में ओरिजिनल वेरिएबल को भी प्रिंट करवाता हूँ, जो कि क्या था, स्टूडेंट, और स्टूडेंट में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं अभी। ठीक है, स्टूडेंट में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं अभी, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ जब, तो आप देखें कि दोनों के अंदर नाम चेंज हो चुका है मलिक। चेंज तो मैंने सिर्फ कॉपी के अंदर किया था, लेकिन ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था मेरा उसमें भी चेंज हो गया था। ये सेम फेनोमेना है जो ऑब्जेक्ट एरे में हम पहले ही देख चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने एरे में ये फिनोमेना नोट किया था कि वो क्या करता है, अगर उसकी हम कॉपी बनाते हैं तो वो कॉपी असल में बनाता नहीं है, उसकी रैम के अंदर वो एक ही वैल्यू रहती है। ठीक है, उसका जस्ट रेफरेंस कॉपी हो जाता है, वो उसकी वैल्यूज़ असल में कॉपी नहीं होती। तो मैं अगर एक वेरिएबल में भेजूँ, दो में भेजूँ, तो वो असल में रैम में कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता, वो एक ही सब वेरिएबल में जाके ना सेव हो जाता है, उसका एड्रेस सेव हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है असल में,
जो आपका ऑब्जेक्ट होता है या आपका एरे होता है, ये बहुत गौर से समझने वाली बात है, ये जब भी आपको समझ में आएगी, और ये बात जब ही आपको समझ आएगी जब आपने वो जो बाइनरी वाली क्लास हमने ली थी ना, वो अगर अच्छे से आपने समझी होगी, जो बाइनरी वाली हमने समझा था ना कि मेमोरी में इस तरह जाके सेव होता है, तो वो अगर आपने अच्छे से समझी होगी जब ही आपको ये बात समझ आएगी जो अब मैं बोलने वाला हूँ। अच्छा, किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा था तो वो रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, तो आप दोबारा भी जाके उसको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मेमोरी में कोई जगह नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मेमोरी में कोई जगह नहीं लेता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट मेमोरी में ना इसका एक, इसको एक हिस्सा दे दिया जाता है कि ये आपका एड्रेस है, इतनी जगह आपकी, इसमें आप जो भी स्टोर करते हो तो वो जगह एक्सपेंडेबल होती है, एक्सपेंड हो जाती है। तो इस ऑब्जेक्ट का एक अलग एड्रेस होगा जहाँ पे ये मेमोरी में सेव है। अच्छा, उस एड्रेस के ऊपर क्या सेव होगा? उस एड्रेस के ऊपर एक्चुअल वैल्यू सेव नहीं है, उस एड्रेस के अंदर मजीद एड्रेसेस सेव है, ठीक है। पहला एड्रेस किसका होगा? एक स्ट्रिंग वेरिएबल का, वो रैम में किसी और जगह सेव है, वो रैम में किसी और जगह सेव है। इसको अगर मैं कोशिश करूँ आपको ड्राइंग ऐप में बना के दिखाने की, इमेजिन करें ये आपकी रैम मेमोरी है, ठीक है, ये इमेजिन करें आपकी ये रैम मेमोरी है आपकी, यहाँ पे ना ये आपका ऑब्जेक्ट सेव हुआ हुआ है। अच्छा, इसके इधर इधर कुछ डेटा सेव है, दूसरा हमें नहीं पता वो क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेव हुआ हुआ है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर वो एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पे सेव नहीं हुई हुई है जो ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। अच्छा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसमें तीन वैल्यूज है ना, तो ये मेमोरी की इस जगह पे ना तीन एड्रेस सेव हुए हैं। नंबर एक एड्रेस एक स्ट्रिंग वेरिएबल का, ठीक है, नंबर दो भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और नंबर तीन एक नंबर वेरिएबल है। अच्छा, ये एक्चुअली मेमोरी में ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? हो सकता है स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ना मेमोरी में यहाँ पे हो, इधर जो पहला वाला, यानी पहला वाला जो है वो एक्चुअली इस लोकेशन का एड्रेस होगा, एक्चुअल डेटा यहाँ सेव है। जो दूसरा वाला है वो हो सकता है रैम में इधर पड़ा हुआ हो, ठीक है, ये यहाँ पड़ा हुआ होगा रैम में, और ये तीसरा जो नंबर का वेरिएबल है ये रैम में कहाँ पड़ा हुआ होगा? ये इधर पड़ा हुआ है रैम में, ये अलग अलग जगह पे हो सकता है। यही वजह है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेसेस सेव है, ऑब्जेक्ट के अंदर असल कोई डेटा सेव है नहीं, ठीक है। ये बात बाय द वे जावास्क्रिप्ट की क्लास में लोग कवर नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पता होना ज़रूरी है, वरना ये बेवकूफ़ी की बात लगती है ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भी है, फिर वो जगह भी कोई नहीं ले रहा, फिर वो बढ़ भी रहा है एक्सपेंड, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट अगर पढ़ी भी है कंप्यूटर साइंस में, यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पर पढ़ाना चाहिए लेकिन पढ़ाते नहीं है ठीक से वो, तो मेमोरी मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ी भी है ना तो ये बात बहुत नॉनसेंस लगती है कि यार एक चीज़ मेमोरी में सेव हो गई है और वो एक्सपेंड कैसे हो रही है। एक्सपेंड जब हो रही है तो इसके इधर और इधर जो डेटा था क्या उसके ऊपर चढ़ते हुए जा रही है, क्या उसको पूरे को उठा के आगे धक्का मार रही है, कैसे हो रही है? मतलब इमेजिन करें, आपको मैं मिसाल देकर समझाता हूँ कि अगर इस क्लास में जैसे ये बैठा हुआ है, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला बैठा हुआ है, अब अब्दुल्ला मिसाल के तौर पे इमेजिन करें एक वैल्यू है, जब ये इसमें रूम में दाखिल हुआ तो इसने एक जगह क्लेम कर ली ना, मतलब इसी तरह सॉफ्टवेयर को, बेटा बातें नहीं करो इस तरफ देखो, थोड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है ज़िंदगी में दोबारा कभी भी ये कोई डिस्कशन ना करे तुमसे, ठीक है, ये पहली और आखिरी दफ़ा ये बात डिस्कस हो रही है। वेल, तो अब ये जैसे ही रूम में दाखिल हुआ ना तो इसने ये जगह क्लेम कर ली। इसी तरह वेरिएबल जब बनता है तो वो क्या करता है? मेमोरी में एक जगह क्लेम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वो जगह एलोकेट कर देता है, वो उसकी हो गई है। अच्छा, तो ये जैसे ही रूम में दाखिल हुआ इसने ये जगह देखे खाली है, उसने क्लेम कर ली, अब ये जगह इसकी हो गई, इसने अपना बैग वैग रख दिया यहाँ पर, अब ये यहाँ पर मौजूद हो या नहीं हो ये जगह इसकी है, इसने बैग वैग रखा हुआ अपना, दूसरे लोग देखेंगे अच्छा ये पहले से ही कैप्चर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी खाते में लिख लिया अपने कि इस जगह पर ये आ चुका है, यहाँ पर कोई और नहीं आएगा, ये हो गया। अब ये सीट ना, मिसाल के तौर पर ये दो लोग आए थे अगर, अब्दुल्ला और उसके साथ एक और कोई लड़का, तो ये दोनों दो सीट पर बैठ गए अपने आसपास, दोनों दो सीट पर बैठ गए अपने आसपास, दो सीट इनकी हो गई। अब रिगार्डलेस
बाकी बंदे दूसरी जगह पे जाएंगे, इन दोनों सीटों पे नहीं आ सकते। अब अगर ये बोले कि यार अब्दुल्ला के मेरा एक और दोस्त आया है उसको मेरे पीछे वाली सीट दो, तो अब्दुल्ला के पीछे वाली सीट खाली है उसको मिल जाएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खाली हो। तो अब्दुल्ला एक्सपेंड कर रहा है अपनी टेरिटरी को, अपनी जगह को एक्सपेंड कर रहा है। अच्छा, अब इसका एक चौथा दोस्त आया, उसने बोला क्या नाम है तुम्हारा? जमाल। अब जमाल बैठा हुआ और पीछे उसके, अब क्या जमाल को उठा के पीछे भेजा जाएगा? तो जमाल के पीछे बैठा हुआ वो कहाँ जाएगा? उसको और पीछे जाएगा, भेजा जाएगा। अब पता नहीं और पीछे जगह है या नहीं है। तो मेमोरी मैनेजमेंट अगर किसी ने पढ़ी भी है ना ये बात, तो ये बड़ी नॉनसेंस बात है। जावास्क्रिप्ट जब पढ़ता है बंदा कहता है ये क्या बकवास है, ये एक बार सेव हो गया वेरिएबल तो ये एक्सपेंड हो रहा है, तो ये जगह मिल कहाँ से रही है, उसको जगह मिल कहाँ से रही है? तो या तो पीछे जो लोग बैठे हुए उनको और पीछे किया जा रहा है। अच्छा, पीछे हो सकता है 200 लोग बैठे हुए ऑनलाइन से, तो 200 के 200 लोग उठेंगे, एक एक चेयर पीछे जाएंगे, वापस आएंगे, तो ये कितने सारे ऑपरेशन हो गए। ये तो क्लास में फिर उठक बैठक ही होती रहेगी पूरा टाइम, यही होगा ना। अच्छा, या फिर ये हो कि इस तरफ जो सीट वाले हैं उनको उठाया जाए, एक स्टेप आगे ला के बिठा दिया जाए ताकि उसको एक्सपेंड होने के लिए जगह बचे मिले। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये होगा तो भी उठक बैठक होती रहेगी पूरा टाइम, और सारी प्रोसेसिंग जाहिर है क्योंकि रैम में जब एक चीज़ उठा के आप दूसरी जगह करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर इस्तेमाल होती है, बिजली इस्तेमाल होती है, सही है, और वो बाद में हीट भी वही प्रोड्यूस करता है असल में कि जितने ऑपरेशन। तो ये इतने ऑपरेशन अगर मैं करूँगा कि पूरे पूरे रैम को उठा के मैं शिफ्ट मारूँगा यहाँ से वहाँ, तो फिर तो हो गया मेरे मेमोरी एफिशिएंसी का काम और मेरी पावर भी बहुत ज़ाया होगी उसमें, तो ये दोनों काम नहीं हो सकते। अच्छा, एक तरीका और हो सकता है कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई स्टूडेंट आए यहाँ पे या जब भी कोई वेरिएबल बने तो मैं उसको ऐसी जगह दूँ जिसके इधर इधर चारों साइड ना 10-10 सीटें खाली हों, ताकि वो एक्सपेंड करे तो 10 सीट तक एक्सपेंड कर पाए। लेकिन इसमें भी दो मसले हैं। नंबर एक मसला ये है कि अगर तो इतनी सीट भी फिर होनी चाहिए ना कि 10-10 सीट चारों साइड खाली करके मैं एक को बीच में बिठाऊं कि भाई ये एक्सपेंड होगा बाद में, तो एक तो इतनी जगह होनी भी चाहिए, अगर है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह कि वो एक्सपेंड भी फिर 10 तक ही होगा ना, लिमिटेड होगा। अब 10 से ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़े फिर क्या करेंगे, तो फिर कहानी वहीं घूम के आ गई कि पूरे पूरे जो सीट हैं उसको मैं शिफ्ट मारूं दूसरी जगह पर और उसको बिठाऊं। तो इसका कोई हल है नहीं बाय द वे। तो जावा के अंदर और सी शार्प के अंदर, सी में तो बाय द वे ये चीज़ सी में नहीं हो सकती। सी बोलता है भाई जहाँ पे आपको चाहिए ना वो बोलो, उतनी मेमोरी आपको देंगे, एलॉक मेलॉक के फंक्शन चलते हैं उसके अंदर। वो कहता है यार कितने बाइट चाहिए आपको। इसमें तो ये होता है ना, वेरिएबल बनाते हैं खुद ही हमें ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट होती है। सी में भी होता है, लेकिन सी में एक और ऑप्शन भी होता है कि मेरी मर्जी से मैं बोलता हूँ कि मैं मुझे इतने बाइट की मेमोरी दे दो, मैं जो मर्जी स्टोर कराऊँ मेरी मर्जी है उसमें, तो मैं डायरेक्ट बाइनरी स्टोर करवाता हूँ और डायरेक्ट बाइनरी में मुझे मिलता भी है वो, ठीक है। ये लो लेवल प्रोग्रामिंग कराती है कि वो आप उतनी जगह बोलते हैं कि मेमोरी में मुझे इतनी जगह ढूंढ के दे दो। मिसाल के तौर मैंने कहा 6 सीटें मुझे ढूंढ के लाओ। अब इस क्लास में ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढेगा कि कंसेक्यूटिव 6 सीटें कहाँ खाली हैं, वो मुझे वो जगह ला के दे देगा कि यार ये खाली है यहाँ पर, अब वहाँ पर मैं जो मर्जी करता रहूँ मेरी ये हो जाएगा, ठीक है। जब तक मैं खुद उसको रिलीज़ नहीं करूँगा वो रिलीज़ नहीं होगी। अच्छा, उसको मैं एक्सपेंड लेकिन नहीं कर सकता, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करूँगा मैं, नहीं कर सकता मैं। तो जावा में और सी शार्प में और अभी ये जावा स्क्रिप्ट में भी ये अप्रोच करते हैं। ये अप्रोच क्या होती है कि जो असल आपका जो वेरिएबल बनता है ना उसको एक सर्टेन जगह दे दी जाती है, यहाँ पर सर्टेन यहाँ पर जगह दे दी जाती है जितनी उसके अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं। अच्छा, और हर वैल्यू इसके अंदर सेव नहीं होती, इसके अंदर सेव होते हैं एड्रेसेस। इसके अंदर क्या सेव होते हैं? एड्रेसेस होते हैं। और एड्रेसेस, अब मिसाल के तौर पर मैंने इसमें नई वैल्यू ऐड की, तो नई वैल्यू एक स्ट्रिंग ऐड किया तो वो मेमोरी में कहीं भी जगह खाली होगी ना वहाँ पे बैठ जाएगा वो जाके, और उसका एड्रेस कहाँ पे आ जाएगा? इसके अंदर आके एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ कहानी चल रही होती है। अच्छा, अब इसमें आप देखें जगह ख़त्म हो गई, अब नया एड्रेस मैं कैसे रखूँ इसके अंदर? एक्सपेंड नहीं हो गई, एक्सपेंड हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली एक्सपेंड हो ही नहीं सकता ये। अब क्या होगा? अब अगर मैं इसमें नई जगह नई चीज़ ऐड करूँगा ना तो ये पूरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, सही है, क्योंकि इसमें देखिए 4 सीटें थी, ये पांचवी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि पांचवी में कुछ होगा और आगे अगर तो खाली है तो एक्सपेंड भी हो जाए, लेकिन आमतौर पर होता नहीं है ऐसा। अब इसका मैं क्या करूँ? तो फिर होता ये है कि ये पूरा यहाँ से डिलीट हो जाता है, ये पूरा यहाँ से क्या हो गया, बाकी वैल्यूज अपनी जगह पर है। अब जहां पे ये देखेगा ना कि क्या है,
पांच सीट खाली है कंसेक्यूटिव, ये वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा पूरा का पूरा। और इसमें क्या आ जाएगी, एक पांचवी वैल्यू आ जाएगी नीचे, ये पांचवी वैल्यू आ गई। अच्छा फिर ये क्या होगा, ये सबका जो कनेक्शन है ना वापस जुड़ जाएगा जहाँ से कनेक्शन, क्योंकि ये जो चीज़ है ये वाली, ये तो एड्रेस है ना किसी और जगह का, वो एड्रेस अपनी जगह है, वो वेरिएबल अपनी जगह, ये तो मैंने निशान बनाया था ना, तो वो निशान दोबारा जाहिर है मैं नहीं बना पाऊँगा, लेकिन ये पहला वाला जो है ये किसका एड्रेस है, ये पहला वाला इसका एड्रेस है, इस जगह पे मेमोरी में कोई चीज़ सेव है उसका एड्रेस है ये, तो वो अपनी जगह एड्रेस वो रहेगा, मसला नहीं है। ठीक है, तो असल में ये, तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं कि जब कोई नई चीज़ ऐड या रिमूव की जाए तो वो पूरा हट के दूसरी जगह जाता है, इसको हम फेनोमेना को कहते हैं इम्यूटेबल। जी अपना एड्रेस अपडेट हो जाएगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो बना हुआ था ना ऑब्जेक्ट का जो अपना एड्रेस था, वो यहाँ पे जो बना हुआ था तो वो क्या था, मिसाल के तौर पे था 34 था वो एड्रेस, अब वो जा चुका है 86 पे, लेकिन 86 के अंदर जो है वो अगले पांच जो है वो क्या है, वो दूसरी जगहों के एड्रेसेस हैं, वो वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। अच्छा ये समझ में आई बात, यही वजह है। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट खुद भी मेमोरी में कुछ जगह लेता है, लेकिन कितनी जगह लेता है, जितनी उसमें वैल्यू ना उतने एड्रेसेस सेव कराने को, यानी ना होने के बराबर है, यानी कि वो ना होने के बराबर जगह लेता है, खुद कोई जगह ऐसे वो ले नहीं रहा होता। लेकिन तो हमने ये एक इसका फिनोमेना स्टडी किया। अब समझाना क्या चाह रहा था मैं कि ये जब ये होता है ना तो रेफरेंस कैसे कॉपी हो जाता है और वो रैम में डुप्लीकेट क्यों नहीं होती वैल्यू। एरे में भी बाय द वे सेम यही चीज़ होती है, ठीक है, एरे में भी सेम यही चीज़ होती है। म्यूटेबल, म्यूटेबल तो होता ही नहीं है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, म्यूटेबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। म्यूटेबल मतलब उसको चेंज किया जा सके, चेंज किया, जैसे नंबर म्यूटेबल होता है भाई दादा, लेकिन नंबर जो है वो शुरू में ही 64 बाइट ले लेता है ना, 64 बिट ले लेता है, मिसाल के तौर पे नंबर जो है शुरू में ही वो 64 बिट ले लेता है। अब इतनी बड़ी जगह उसने ले ली 15 डिजिट वाले नंबर की, अब उसमें 0 डिजिट रखें कुछ भी रखें वो पूरी जगह लेके बैठा रहेगा, तो वो जब चेंज करते हैं तो इसी एड्रेस पे ही वो चेंज होता है, तो दिस इज कॉल्ड म्यूटेबल। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं कर सकते आप, ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं, क्योंकि उसकी लिमिट नहीं पता। नंबर में तो लिमिट है, एक लिमिट तक आके वो बोलेगा इन्फिनिटी, 15 डिजिट 16 डिजिट की एक लिमिट है इसके अंदर, जो 64 बिट के अंदर जितने नंबर स्टोर हो सकते हैं उससे ज़्यादा बड़ा करेंगे वो बोलेगा इन्फिनिटी, ख़त्म। लेकिन ऑब्जेक्ट में ये नहीं होता, ऑब्जेक्ट जब तक बड़ा होता रहेगा जब तक पूरे कंप्यूटर का रैम ख़त्म ना हो जाए, पूरे कंप्यूटर की रैम ख़त्म होगी प्रोग्राम आपका क्रैश कर जाएगा। ठीक है, उसमें ये नहीं होता कि एक लिमिट पे आके बोले इन्फिनिटी या अलाउ नहीं, ये वाला सीन नहीं होता। अच्छा तो अब हम देखते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि ऑब्जेक्ट काम कैसे कर रहा है, और ऑब्जेक्ट में जब हम नई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो क्या क्या फिनोमेना चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में। अब हम ये देखते हैं कि अगर इसको कॉपी किया जाए तो क्या होता है। अब मैं इसको जब कॉपी करूँगा ना तो ये क्या हुआ, ये कॉपी हुआ ऐसे और ये पेस्ट हो गया, जो भी नया वेरिएबल बनाया था वहाँ पेस्ट हो गया, ये इधर पेस्ट हो गया। अच्छा अब मुझे कौन सोच के बताएगा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये एड्रेस था 778, ये एक एड्रेस था, मतलब मेमोरी के कोने में किसी जगह का एड्रेस था, सही है, 778 मतलब ये वाला एड्रेस था, तो ये अभी भी 778 है, यही है ना। अच्छा यहाँ पे क्या है, 778 ही है अभी भी, ये समझ आई बात। अच्छा अब होगा क्या, जब मैं पहले वाले को चाहे मैं यहाँ से चेंज करूँ चाहे मैं यहाँ से चेंज करूँ, वो एक्चुअल चेंज का आएगा 778 में आएगा, समझ आई कहानी। अच्छा ये जो तरीका है ना इसको बोलते हैं कॉपी बाई रेफरेंस, इसको जब हम कॉपी करते हैं, अच्छा डिफ़ॉल्ट यही है, डिफ़ॉल्ट कॉपी इसी तरह होता है, जब एक ऑब्जेक्ट को उठा के मैं दूसरे वेरिएबल में डालता हूँ तो क्या होता है, ये इतना पूरा पार्ट उठ के जो है ना मेमोरी में एक और जगह सेव हो जाता है। तो ये जो चार एड्रेसेस थे ना, इतनी जो जगह थी मेमोरी में वो तो एक्स्ट्रा आई है, लेकिन उसमें जो मिसाल के तौर पे ये वाला जो था ये 5000 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग था, तो ये डुप्लीकेट नहीं हुआ, ये डुप्लीकेट नहीं हुआ, जो 5000 कैरेक्टर का स्ट्रिंग था वो अपनी जगह खड़ा था और उसका एड्रेस यहाँ पे भी आ गया। अब मैं उसको यहाँ से चेंज करूँ या मैं उसको यहाँ से चेंज करूँ, चेंज उसी एक में ही आ रहा है। यही वजह है कि जब मैं आता हूँ यहाँ पे और नेम मैंने एक बनाया हुआ है यहाँ पे और जब मैं उसको कॉपी करता हूँ और कॉपी डॉट नेम को चेंज करता हूँ तो ओरिजिनल में भी चेंज आ जाता है। ओरिजिनल में चेंज क्यों आता है, क्योंकि वो भी उसी को पॉइंट कर रहा है, ये भी उसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है,
ठीक है. अच्छा, इस तरह से रखने का जो मेन रीज़न है वो यही है, मेमोरी एफिशिएंसी, ताकि मेमोरी जो है वो हम जब कॉपी करें तो मेमोरी जो है वो उतनी ही रहे, मेमोरी डुप्लीकेट ना हो. अच्छा, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट फिनोमेना है. अब इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो हम फिलहाल अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसका डिफ़ॉल्ट फिनोमेना ये है. अच्छा, सम टाइम आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है कि आप क्या करें, इन दो वेरिएबल्स को यानी कॉपी को और स्टूडेंट को, इन दो को क्या रखें आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखें आप, एक दूसरे से इसका कोई ताल्लुक ना हो, ख़त्म करना चाह रहे हैं आप ताल्लुक, ठीक है. इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट में स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं रेफरेंस तोड़ना, सही, डेवलपर्स हम आपस में बोलते हैं इसको क्या, रेफरेंस तोड़ना, ठीक है. अच्छा, अंग्रेजी में इसको गोरे कहते हैं क्लोन करना. हमने एरे को क्लोन करना देखा है इससे पहले, अगर एरे को हम क्लोन ना करें तो भी उसमें कॉपी बाई रेफरेंस हो जाता है, ठीक है. तो इसको भी हम क्लोन कर सकते हैं. क्लोन करने का तरीका क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक जो है वो ये है, स्प्रेड ऑपरेटर. अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर, बाय द वे, स्प्रेड ऑपरेटर का काम ये होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है ना उसको खोल के बिछा देता है वो. यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूँ ना नेम इक्वल टू जॉन, क्लास इक्वल टू साइंस, ऐसे करके लिखूँ या स्प्रेड ऑपरेटर लगा दूँ किसी एग्जिस्टिंग में, तो सेम मतलब है. यानी यहाँ पे मैं जो स्प्रेड ऑपरेटर लगा रहा हूँ ना, अगर मैं उसको फुल फॉर्म में लिखूँ, स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ ना करूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ असल में, मैं लिखूँगा स्टूडेंट डॉट नेम, नेम इक्वल टू स्टूडेंट डॉट नेम, ऐसे लिख रहा हूँगा मैं, सही है. और कैसे लिखूँगा मैं, जो भी तीन वैल्यूज हैं उसके अंदर, क्लास है और एज है, और सही है, वो स्प्रेड ऑपरेटर ना इस चीज़ का शॉर्टकट है. अच्छा, ES6 के अंदर ना, आपको एक मैं मज़े की बात बताऊँ, ES6 के अंदर अगर की और वैल्यू का नाम सेम है तो आप अगर एक भी चीज़ लिखें तो चल जाता है, सही है. अगर मैं ये हटा भी दूँ तो ये चल जाएगा, सही है. मतलब की और वैल्यू का अगर आपने नाम सेम रखना है तो आप एक भी लिख दें उसमें से तो चल जाता है. लेकिन अभी फ़िलहाल उस कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं जाते, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लोनिंग कर रहे हैं. तो क्लोनिंग पे अभी हम पूरी तवज्जो रखते हैं फिलहाल के लिए. तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर इस पर जब लगाया तो आप देख रहे हैं ये कर्ली ब्रेसेस जो है, इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, मेमोरी में एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. अच्छा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या रखवाता हूँ, एक दूसरे ऑब्जेक्ट में से ना एक एक करके की उठा उठा के उसमें बीच में मैं रीयूज़ करता हूँ. तो इससे होगा क्या, अब रैम के अंदर यहाँ पे क्या बनेगा, इसको मैं उड़ा देता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट. अच्छा, रैम के अंदर ना यहाँ पे एक अदद अलग से बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बना, यानी एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लगाने से ये बन गया रैम मेमोरी के अंदर. अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब मैं उस पर स्प्रेड ऑपरेटर लगा के ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से एक एक करके लाऊंगा, चाहे मैं उसको मतलब हाथ से लिखूं या स्प्रेड ऑपरेटर लगा दूं, एक ही बात है. तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक एड्रेस बनेगा, ठीक है, और जो पहला वाला उसकी वैल्यू होगी वो मिसाल के तौर पर रैम में यहाँ पर उसकी जगह मिल गई, यहाँ पर सेव हो गई, सही है. और उसका एड्रेस क्या आ गया, मिसाल के तौर पर इसका एड्रेस था 110, ये एड्रेस यहाँ आ गया, ठीक है. इसका एड्रेस क्या है, 110 है, इमेजिन कर लो. तो ये यहाँ आ गया, फिर दूसरी वैल्यू उठाई, दूसरी वैल्यू को रैम में जगह मिली, इधर जगह मिली, ठीक है. इसका जो भी एड्रेस था वो यहाँ आगे सेव हो गया, ठीक है फिर तीसरे को जगह मिली इधर इस कोने में, जहाँ खाली होगी वहाँ दे देगा ना वो एड्रेस. इसका जो भी एड्रेस है वो कहाँ आ गया, यहाँ तीसरे नंबर पर आ गया, ठीक है. और चौथे को जगह मिली यहाँ पे, चौथा क्या था, एक नंबर वेरिएबल था, और चौथे का एड्रेस कहाँ आ गया, इधर आ गया, ठीक है. इसको मैं निशान भी बना देता हूँ. अच्छा, ये कोने वाला ना काफ़ी दूर है, इसका मैं चलो इसका भी ले ही आता हूँ, ठीक है. वैसे इस तरह लकीरें नहीं बनी हुई होती मेमोरी में, मेमोरी में जस्ट एड्रेस होता है. तो ये सारी लकीरें हटा के अगर आप देखें ना तो एक्चुअल उस तरह से हो रहा होता है. तो क्या हुआ, ये ना सिर्फ वो ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हुआ बल्कि उसकी तमाम वैल्यूज़ भी डुप्लीकेट हुई हैं इस बार. और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, क्लोनिंग, ठीक है. ऑब्जेक्ट को हम क्लोन करते हैं तो ये वाला फिनोमेना होता है. अगर क्लोन ना करें, सिंपल कॉपी करें, तो वो कॉपी बाई रेफरेंस होता है, वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं होती, सिर्फ ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट होता है. अच्छा, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि
ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के और कौन कौन से तरीके हैं? ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट वे टू क्लोन अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये एक ऑब्जेक्ट है राइट, और इसको क्लोन करने के ना इसने कई तरीके बताए हैं। अच्छा नहीं, एक ही तरीका बताया है, मैं असल में चाह रहा हूँ सारी लिस्ट मिल जाए। हाँ इसने बताया सारे तरीके, ये देख रहे हो, स्प्रेड ऑपरेटर जो हमने अभी यूज किया एक, दूसरा स्प्लाइस, स्लाइस, कॉनकैट, ये सारे तरीके हैं इसको क्लोन। अरे ये तो एरे को क्लोन करने का नहीं है, नहीं ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा है ये तो। वेल तो हमें इतने सारे तरीके पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि जो सबसे एफिशिएंट है और सबसे जो क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन जो तरीका है नया वाला ये सिक्स में, वो स्प्रेड ऑपरेटर है। और सबसे अच्छा स्प्रेड ऑपरेटर की अच्छी बात ये एरे और ऑब्जेक्ट दोनों में कॉमन है, वरना इससे पहले जो है ना हम एरे को किससे करते थे, डॉट कॉनकैट से करते थे। ठीक है, अच्छा इन्होंने यह मेंशन भी किया हुआ है बाय द वे, हाँ ये देखो ना स्प्लाइस, स्लाइस और कॉनकैट, ये एरे के लिए इसने यह मेंशन किया हुआ है। ये भी एरे और ऑब्जेक्ट दोनों में चलता है। अब ऑब्जेक्ट का इसने कहाँ बताया यार, ये असल में स्टैक ओवर फ्लो है ना, तो यहाँ पे इसने जो सवाल पूछा है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर होता है, हम तो कुछ और देख रहे हैं ना, लेकिन जो लोगों ने आंसर किया हुआ वो असल में इसके सवाल के अकॉर्डिंग किया हुआ। अब इसने सवाल इसका भी छोड़ देते हैं हम, क्या लिखा है, जस्ट हमें लिस्ट चाहिए फिलहाल के लिए, अभी नीचे किसी ने देखते हैं लिस्ट बताई होगी। वेल अच्छा ये कोई आर्टिकल है इसको देख लेते हैं फिलहाल। इसने बोला भाई तीन तरीके हैं ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के, ये देख लो आप, सही है, पहला स्प्रेड ऑपरेटर, दूसरा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। अच्छा ES5 में जो सबसे सही तरीका था वो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन था, ये ES6 में आया स्प्रेड ऑपरेटर, ES6 से पहले ये मौजूद नहीं था। ठीक है, अच्छा दूसरा ये जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये क्या करता है कि जो स्ट्रिंगिफाई है ना असल में वो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, पूरा प्लेन स्ट्रिंग बना देता है उसको, क्योंकि इंटरनेट पर जब रिक्वेस्ट भेजते हैं ना तो भी हम उसको स्ट्रिंग बना के ही भेज रहे होते हैं, और उसको दोबारा से वो पार्स करता है तो वो एक नया ऑब्जेक्ट तैयार होता है। ठीक है, क्योंकि जब स्ट्रिंग बनता है तो मेमोरी में कहाँ चले जाता है, वो एक सिंगल स्ट्रिंग के तौर पे पूरा सेव हो जाता है, और फिर जब दोबारा पार्स होता है तो वो नए सिरे से क्रिएट करता है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन सबसे सही तरीका स्प्रेड ऑपरेटर है फिलहाल के लिए, जो आप जो करने लगे हैं उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा इसी तरह एरे को एरे क्लोनिंग जावास्क्रिप्ट, तो ये इसमें भी एक तो यार मैंने आंसर देखा था उसमें तमाम उसने ना, हाँ ये रहा देखो, एरे को क्लोन करने का ना ये सारे तरीके हैं। ठीक है, एरे को अच्छा हमने कौन सा यूज़ किया, ये रहा स्प्रेड ऑपरेटर, उसके अलावा इसमें स्लाइस है, कॉनकैट है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, एरे डॉट मैप है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से भी कर सकते हैं और डॉट क्लोन से भी कर सकते हैं। ठीक है, वेल तो हमने जो कॉमन तरीका है एरे और ऑब्जेक्ट दोनों में जो चल जाता है स्प्रेड ऑपरेटर, हमने वो वाले तरीके से इसको क्लोन किया है। ठीक है, तो एरे की क्लोनिंग हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर ली। एरे की क्लोनिंग से मुतालिक किसी का कोई सवाल? अच्छा अब इसको हम कर देते हैं बंद, और एक हम चीज़ और देख लेते हैं, आमतौर पर इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन चूँकि आप दोस्त ने सवाल किया था तो मैं उसका जवाब देने के लिए बता रहा हूँ कि एरे पे लूप चलाने की ज़रूरत पड़े अगर तो हम कैसे करते हैं। ये मैंने वही वाला एरे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया यहाँ पे, और मैंने बोला फॉर ऑफ। ठीक है, एक फॉर ऑफ का लूप होता है, उसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है, इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह मैं स्टूडेंट लिख दूंगा। ठीक है, तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, जितने इस ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ है ना उतनी दफ़ा चलेगा। तो मैं इसमें कॉन्सोल डॉट लॉग लगा देता हूँ, और इसमें मैं आइट्रेटर को प्रिंट करवा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है।
एक मिनट, फॉर ऑफ का मैं शायद सेंटेंस भूल गया हूँ. फॉर ऑफ का ना जरा सिंटैक्स हम देख लेते हैं. अच्छा फॉर ऑफ का सिंटेक्स है तो यही, लेकिन इन्होंने एरे में चलाना बताया है. ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट वाली एग्जांपल यहाँ पे मौजूद नहीं है. फॉर इन होता है वो, फॉर ऑफ नहीं होता, फॉर इन होता है. सही है, मैं वो नाम भूल रहा था उसका, फॉर इन होता है वो. सही है. अब क्या मैंने गलती की है इसमें? नहीं, मैंने की लिख तो दिया यार. अच्छा वो लेट करना पड़ेगा मुझे, कौन सा क्लास है. अच्छा यहाँ जो आइटरेटर लिखा हुआ है मैंने, उसको मुझे वो करना पड़ेगा. इसको कॉन्स्ट रखने से कोई मसला तो नहीं होगा? चलो चला के देख लेते हैं, पता चल जाएगा. हाँ सही है, अब प्रिंट हो गया ये, नेम क्लास और एज प्रिंट हो गया. ठीक है. अच्छा की मुझे मिल गई है, तो की मिल गई है तो मैं उसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा सकता हूँ. बोलूँगा स्टूडेंट और उसके अंदर क्या लगा दूँगा मैं, की ऐसे करके, तो उसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी. ऐसे करके हम कर सकते हैं ना एक्सेस ऑब्जेक्ट को भी. अच्छा डॉट लगा के ना, यहाँ पे डॉट वाला काम नहीं करेगा. यहाँ पे हमें इसी तरीके से ही करना होगा. मतलब डॉट करके की लगाऊंगा तो क्या होगा, वो उसमें डॉट की ढूंढेगा, कोई वैल्यू तलाश करेगा. तो हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला ही इसमें काम करेगा तरीका. ठीक है, देखो नेम जॉन, क्लास साइंस, एज 30. अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बाई दा में, इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, मुझे तो नहीं पड़ती इसकी आमतौर पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो आमतौर पर आइटरेट करने के लिए बनाया नहीं जाता. ठीक है, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है. अभी हम वो देख लेते हैं, अभी हम वो देख लेते हैं कि आमतौर पर ऑब्जेक्ट और एरे ना आमतौर पर एक साथ होते हैं. अच्छा इसको मैं कॉमेंट कर देता हूँ इस कोड को, और अब वापस किस पे आ जाते हैं हम. अच्छा ऑब्जेक्ट को हमने पूरा ही डिस्कवर कर लिया. ऑब्जेक्ट में मेरा नहीं ख्याल के कुछ छोड़ा है हमने अभी. ठीक है, जितना हमने करना था वो सारा हमने डिस्कवर कर लिया है ऑब्जेक्ट को. अब वापस हम आ जाते हैं अपनी वेदर ऐप में. हम वापस किस में आ जाते हैं? वेदर ऐप में. अच्छा, और वेदर ऐप में आके ना हम इसको ज़रा चला के देखते हैं वेदर ऐप को, क्योंकि पहले तो हमें ऑब्जेक्ट आता नहीं था, अब हमें ऑब्जेक्ट सीख लिया. तो ऑब्जेक्ट सीखने के बाद ज़रा चेक तो करें ये भेजता क्या है हमें. ये आ गया ना मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसको मैंने ओपन किया. इसमें क्या आ रहा है सबसे पहले? बेस. तो मैं इसका मतलब क्या है कि जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट बेस लिखूँगा तो मुझे स्टेशन प्रिंट हो जाएगा. सही है. अच्छा फिर आ रहा है क्लाउड. अच्छा क्लाउड के अंदर आप देखें क्या है,
एक और ऑब्जेक्ट है, तो क्लाउड डॉट ऑल लिखूंगा तो 40 मिलेगा मुझे। अच्छा, इसी तरीके से एक मेन के नाम से तो मैं क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मेन और फिर डॉट टेम्प, उसके अंदर मुझे मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह देखो एक है वेदर, तो मैं क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट वेदर, और वेदर के अंदर क्या है, एरे, और उस एरे के हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं असल में आइटरेट करूंगा वेदर के ऊपर, और उसके अंदर जितनी जितने ऑब्जेक्ट है ना, वो हर ऑब्जेक्ट एक वेदर कंडीशन है, हर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक वेदर कंडीशन है। तो आमतौर पर ना एरे इस तरह से होते हैं, आमतौर पर एरे इस तरह से इसमें मिल रहे होते हैं हमें, कि हम आइटरेट एक्चुअल में एरे पे ही कर रहे होते हैं, और हर इंडेक्स पे हमें एक पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है। मिसाल के तौर पे इमेजिन करें कि मैं अगर अगले 24 घंटे का फोरकास्ट मंगवाता हूँ कहीं से, तो वो डेटा मुझे कैसा मिलना चाहिए, वो डेटा मुझे एरे में मिलना चाहिए, यही होगा ना। मुझे एक रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर डायरेक्ट मुझे एक एरे, अभी तो डायरेक्ट एरे नहीं मिला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अभी एक, मुझे रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर क्या मिलना चाहिए, डायरेक्ट एक क्या मिलना चाहिए, एरे, जब फोरकास्ट में मंगाऊंगा अगले 24 घंटे का। अच्छा, वो 24 इंडेक्सेस का एक एरे मिलना चाहिए, और हर इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हर इंडेक्स में क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट, उसमें मिन मैक्स और टेम्परेचर जो होता है, यानी वेदर का साथ उसमें। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे स्क्रीन पे तमाम वो डिस्प्ले करवाना है अगर, या कंसोल पे तमाम को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं उस एरे पे लूप चला दूंगा, और एरे के हर इंडेक्स पे जाके मैं डॉट टेम्परेचर को प्रिंट करा दूंगा, तो वो लाइन से सारे वेदर के टेम्परेचर प्रिंट हो जाएंगे। अभी हम वो फोरकास्ट वाला भी करेंगे, बल्कि आप वो कर लीजिएगा एज असाइनमेंट, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि API कौन सी है फोरकास्ट वाली ना, तो वो आपको 5 दिन का फोरकास्ट देती है। 5 दिन के फोरकास्ट का मतलब आपको तकरीबन 40 इंडेक्सेस मिलते हैं, 3-3 आवर के स्टेप्स हैं, 5 दिन का देती है, तो 40 आपको मिलते हैं वो पूरे ना, तो वो पूरे अपने लाइन से प्रिंट करवा देना, नीचे उसका दिन, ऊपर उसकी तारीख, टाइम, जो भी चीज़ें होती हैं, फिर बीच में उसकी एक जो भी चीज़ें आपको ये दे रहा है वो सारा, जैसे होता है ना कि भाई मैं अगर गूगल पे जाके लिखता हूँ वेदर और एंटर करता हूँ, तो ये देख रहे हैं एक एक दिन का जो है ना। अच्छा, ये तो आवरली दिखा रहा है, 9 बजे फिर 12, अच्छा 3-3 घंटे के स्टेप से ये 24 घंटे का दिखा रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरह करके मतलब कुछ अगर डिस्प्ले करवाना है आपने, तो आप आइटरेट असल में ऑब्जेक्ट पे नहीं कर रहे आप, इस केस में ऑब्जेक्ट पे आप एरे पे आप आइटरेट कर रहे हैं, उसके हर इंडेक्स में आपको एक एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जो कि पूरा ये पूरा जो आइटम है ना इतना, दिस इज़ वन ऑब्जेक्ट, और ये पूरा एक एरे होगा, यानी जेसन के फॉर्म में अगर मैं इसको सोचूंगा। वेल, तो ये तो है आगे की कहानी। तो अभी मुझे इसका क्या करना है भला, इसको अभी मुझे स्क्रीन पे दिखाना है, प्रिंट करवाना है, तो मैं वो कैसे करूंगा, मैं ये करूंगा, पहले तो मैं एक रिजल्ट के नाम से मैं बना लेता हूँ, या वो अच्छा बना हुआ है रिजल्ट के नाम से ना, रिजल्ट के नाम से मैंने एक बना लिया H1। अब इस रिजल्ट के अंदर मुझे सबसे पहले टेम्परेचर दिखाना है, करंट टेम्परेचर बड़ा सा करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ देन के अंदर, क्योंकि सक्सेसफुल रिस्पॉन्स पे देन चलेगा, कैच सिर्फ एरर पे चलेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे आके बोला कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसमें मैंने बोला कि हैश रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू करके मुझे ना एक ऐसे वैल्यू उसको देनी है, तो ये 34 ऐसे वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, देख लेते हैं यहाँ पे आगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर मेन, सही है मेन, अच्छा मेन लिख दिया यहाँ पे मैंने, और मेन के अंदर टेम्प वगैरह, ठीक है। अच्छा, मिन मैक्स भी मुझे मिल जाएगा, ह्यूमिडिटी प्रेशर जो भी चाहिए मुझे मिल जाएगा, तो मैंने कहा कि भाई डॉट टेम्प, तो इतना कोड लिखने से वो टेम्परेचर उसमें प्रिंट हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स लिखूंगा ना, तो प्रिंट वो फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट उसको समझ में नहीं आता HTML को, HTML को एक एक वैल्यू मुझे इसमें से निकाल के HTML को देनी होगी, भाई ये वैल्यू निकालो, ये प्रिंट करो, सही है, एक एक वैल्यू निकाल के देनी होती है मुझे। अच्छा, लाइन मैं इसकी ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है, लाइन मैंने ब्रेक कर ली है ताकि थोड़ा सा रीडेबिलिटी इसकी रहे, ठीक है। ये इक्वल के बाद ये अगली लाइन में लिख दिया मैंने, सेव किया इसको। अब जब मैं इसको कोड को चलाऊंगा, तो जैसे ही मैं सिटी का नाम लिख के एंटर करूंगा, तो रिक्वेस्ट जाएगी,
और थोड़ी देर में जब रिस्पॉन्स आएगा तो फौरन जो भी रिस्पॉन्स आया वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, मैंने कहा जी कराची और गेट वेदर, और ये थोड़ी देर में प्रिंट हो गया। ये हमारी बन गई एक वेदर एप्लीकेशन, प्रॉपर वेदर एप्लीकेशन आज हम बना चुके हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ मुझे इसके सिटी का नाम भी प्रिंट करवाना है, क्योंकि जो लिखा है वो नीचे शो भी तो होना चाहिए। सिटी का नाम भी मुझे क्या मिलता है यहाँ पे कहीं? जी हाँ, नेम्स कराची, ठीक है। ये नेम किस पे लगा रहा हूँ मैं? ये डेटा के ऊपर डायरेक्ट नेम करके मिलता है मुझे ये। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अदद पैराग्राफ रिजल्ट के ऊपर, एक अदद पैराग्राफ रिजल्ट के नीचे बना लेता हूँ, कि मैं ऊपर के और नीचे के पैराग्राफ में कुछ चीज़ें दे सकूँ इसको। तो मैंने कहा एक ऊपर और एक नीचे, इस एच वन को मैंने कहा कि क्या हो जाओ तुम, पैराग्राफ बन जाओ या स्पैन बना देते हैं। नहीं चलो पैराग्राफ ही सही है, बल्कि नहीं स्पैन बना देते हैं, ठीक है। और इसको भी स्पैन बना देते हैं। स्पैन क्या होता है? इन लाइन होता है असल में ना, स्पैन ज़्यादा वो नहीं करता। अच्छा, मैंने इसको बोल दिया क्या लिखें इसकी आइडिया, अप रिजल्ट और डाउन रिजल्ट लिख देते हैं, ठीक है। डिफ की तरह होता है, इनलाइन होता है लेकिन। अच्छा, मैंने अप रिजल्ट और डाउन रिजल्ट लिख दिया, तो रिजल्ट के ऊपर जो है बीच में टेम्परेचर बड़ा सा, ऊपर क्या सिटी का नाम, और नीचे नीचे भी देखते हैं कुछ ना कुछ कराएंगे। तो अप रिजल्ट पे मुझे सिटी का नाम प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे आया, इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट को मैंने डुप्लीकेट किया और मैंने कहा अप रिजल्ट में मुझे चाहिए। तो मैंने कहा कि अप रिजल्ट, और अप रिजल्ट में क्या कराना है, मैंने डेटा डॉट नेम करवाना है सिटी का नाम, ताकि प्रिंट हो जाए इसमें। रिफ्रेश किया मैंने, कराची लिखा, गेट वेदर कराची, और ये वेदर प्रिंट हो गया, ठीक है। मैंने इसमें लाहौर लिखा और गेट वेदर, तो ये लाहौर प्रिंट हो गया साथ में, ठीक है। थोड़ी सी CSS अभी इसमें नहीं लगी हुई, थोड़ी CSS लगा लेते हैं, क्या ख्याल है? इस पूरे को एक डिव में पैक करता हूँ मैं, और इस डिव में थोड़ी CSS लगा लेता हूँ, सही है। क्या CSS लगा दूँ भला? क्लास, और मैंने कहा कि वेदर कार्ड, ये मैंने क्लास लगा दी इस पे वेदर कार्ड, और इस क्लास के ऊपर मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी CSS यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि भाई बॉर्डर लगा दो इसके ऊपर, क्या था, वेदर कार्ड डॉट वेदर कार्ड बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक, ठीक है। चारों साइड पे इसके बॉर्डर बना दो, ठीक है, बॉर्डर बना दिया मैंने। मैंने कहा भाई थोड़ा ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है ऊपर, इसको थोड़ा मार्जिन दे दो टॉप, मार्जिन टॉप मैंने कहा कि 30 pixel मार्जिन टॉप दे दो, कि ऊपर से नीचे आ जाए थोड़ा ये। अच्छा, उसके अलावा मैंने कहा कि भाई बॉर्डर रेडियस जो है ना इसका, वो क्या कर दो तकरीबन 30 pixel कर दो, ताकि थोड़े राउंड हो जाए इसका कॉर्नर जो है, ठीक है। मैंने कहा कराची, और इस तरह से राउंड आ जाए। अच्छा, अब ये चूँकि अपने पास दीवार से बहुत चपका हुआ है, तो इसलिए स्क्रीन से बाहर हो जाता है, तो मैं इसको पैडिंग दे दूंगा कि अंदर की तरफ भी क्या हो जाए, ये बॉक्स में थोड़ा अपनी दीवारों से दूर दूर हो जाए। पैडिंग का मतलब क्या होता है, मार्जिन होता है बाहर की साइड, पैडिंग होता है अंदर की साइड, तो अंदर की साइड इसका जो कॉन्टेंट है वो दीवारों से थोड़ा दूर दूर हो जाए, इसके लिए मैं पैडिंग दे दूंगा इसको। पैडिंग मैंने कहा 30 pixel की पैडिंग भी हो जाए। अच्छा, 30 pixel बहुत ज़्यादा हो गया, 10 pixel की पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। अब इसको आप अपने हिसाब से मजीद स्टाइल देके इसको दरमियान में आगे पीछे जैसे आप चाहें कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने थोड़ा सा नहीं कि कुछ कार्ड जैसा बना लिया। अब जाके ना गूगल पे ज़रा वेदर लिखते हैं, क्या दिखाते हैं वो और इसके अलावा वेदर में? अच्छा, लो और हाई या नीचे दिखाते हैं, और ऊपर दिखाते हैं वो दिन दिखाते हैं, फ्राइडे सैटरडे कुछ इस तरह का, बीच में एक इमेज भी दिखाते हैं। तो हमारे पास क्या इमेज मौजूद है? जी हाँ, इमेज मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो मैं लो और हाई को ना ज़रा किधर दिखा देता हूँ, डाउन रिजल्ट वाले में ना लो और हाई दिखा देता हूँ। मैंने कहा भाई डाउन रिजल्ट में क्या कर दो, एक टेम्पलेट बनाया मैंने, और उस टेम्पलेट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई पहले इसमें दिखा दो तुम मेन डॉट, क्या था, टेम्प अंडरस्कोर मेन, सही है। और मैंने कहा स्पेस डाल के फिर क्या कर दो, मैक्स को दिखा दो, सही है। और इसमें बीच में एक डैश भी लगा दिया मैंने,
देखते हैं अब क्या रिपोर्ट है इसकी। ठीक है, तो ये मिन और मैक्स आ गया। अच्छा, टेम्परेचर के साथ मुझे सेंटीग्रेड भी दिखाना है सी लगा के, वो कैसे दिखाऊंगा मैं? ये सबसे पहले मैंने ये दिखाया था ना यहाँ पे, तो इसको मैं टेम्पलेट में करना पड़ेगा इसके लिए मुझे उसको भी। ठीक है, वैसे मैं प्लस लगा के आगे उसके एक सी लिख दूँ तो भी चल जाएगा, और इसके साथ मैं बड़ा सा एक सी लगा देता हूँ, तो इससे क्या होगा, सी लिखा हुआ जाएगा इसके साथ। अच्छा, सी के देखते हैं ज़रा कैसा हो गया अभी फिलहाल, ये सही है। इसके बीच में गोल सा वो भी होता है ना, वो नहीं आ रहा, तो वो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कीबोर्ड में कहाँ पर होता है, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया मैंने, सही है। और ये मैं अपने इस वाले के साथ भी पेस्ट कर देता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम के साथ भी ना मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं अब क्या रिपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, अभी कुछ सही लग रहा है, असली लग रहा है। अच्छा, अब मुझे इसमें बीच में ना एक इमेज भी प्रिंट करवानी है, ये इमेज भी मुझे मिन और मैक्स सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, मैंने सेम लिख दिया है क्या, मिन और मैक्स? अच्छा, डेटा में मिन मैक्स सेम आता होगा मे बी। अच्छा, अभी मिन मैक्स जो है डेटा में भी सेम है। चलो कुछ और लिखते हैं ना, इस्लामाबाद लिखते हैं। अब अबे ये क्या सीन है, मिन और मैक्स यहाँ पे भी एक ही आ रहा है। अच्छा नहीं, ये डेटा तो वैसे सही देता है, हम कि अभी असल में टेम्परेचर हमारा चल रहा बड़ा स्मूथ है ना, ये देखो कनाडा का किया ना तो इसने अलग दिया, कनाडा में इसने अलग दिया है, क्योंकि टेम्परेचर जिस जगह पे वेरी कर रहा होगा वहीं बताएगा ना। हमारे पास अगर टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा सुबह से शाम तक एक ही चल रहा है, तो फिर ये उसी तरह। अच्छा, इनका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, बिल्कुल एक्यूरेट किसी का भी डेटा नहीं होता। ठीक है, गूगल भी जो बता रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, वो एक प्रेडिक्शन होती है, और जो करंट टेम्परेचर है वो भी अपने वो उनके सेंटर्स होते हैं बने हुए जहाँ से वो डेटा गेट कर रहे होते हैं। ठीक है, मेरे और आपके जैसे लोग भी ना वेदर स्टेशन ख़रीद के और घर पे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको इंटरनेट की तार घुसा देते हैं उसमें, तो गूगल थोड़ा बहुत पैसे पे करता है, या वेदर चैनल जिसको भी आप दे रहे हैं डेटा, अपने घर के छत पर आपने लगा दिया और आपने इंटरनेट की तार उसमें कर दी अंदर, तो वो थोड़े से बहुत थोड़े पैसे देता है, $1 पर डे इस तरह या कुछ देता है आपको ना, वो तो $20-30 महीने के बनते हैं, वो आपको मिलते रहते हैं, शौकिया लोग करते हैं। अच्छा, वेदर स्टेशन बाय द वे देखा किसी ने कैसा होता है? वेदर स्टेशन नहीं देखा तुम लोगों? दिखा देता हूँ। ठीक है, पोर्टेबल वेदर स्टेशन जो लोग खरीद के लगाते हैं ना, वो होता है कुछ इस तरह का होता है, ये देख रहे हो, ये इसमें ये विंड की डायरेक्शन और विंड की स्पीड को चेक करेगा, ये बीच में जो उसके बोतल लगी हुई है ना, ये बारिश कितनी हुई है उसको डिटेक्ट करता है, ये बोतल भर जाती है तो वो कितनी देर में कितनी भर रही है उससे ये अंदाज़ा लगा लेता है कि बारिश कितने मिलीमीटर हो रही है इस वक्त। अच्छा, फिर ये नीचे इसके जो लगा हुआ है सोलर पैनल छोटा सा, ये इसको पावर भी देता है और ये भी पता लगाता है कि धूप में कितनी यूवी क्या चल रहा है अभी। ठीक है, और नीचे इसका ये कंट्रोलर है, इसके साथ इंटरनेट की तार लगी हुई है। इसमें अब छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर। ठीक है, ये मोस्ट प्रॉब्ली प्रेशर का सेंसर लग रहा है मुझे देखने से। ठीक है, क्या ये देख रहे हो बंदों ने लगाया हुआ है, तो ये आप भी लगा सकते हैं अपने घर पे। अच्छा, जो बड़ा वाला होता है वो तो काफ़ी बड़ा होता है, पोर्टेबल हटाऊंगा तो वो फिर बड़े वाले दिखेंगे इस तरह का, ये भी पोर्टेबल ही है भाई दादा। ठीक है, ये वेदर स्टेशन बना हुआ है, तो ये जगह जगह ना खुद भी बनाए हुए होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये सुपारको वाले इन्होंने बनाया हुआ है अपने पास, वो बड़ा सा एक है ना गुंबद मीनार ऊपर, देखा सुपारको गुजर हुआ है कभी? यहाँ कराची से आगे जाओगे ना थोड़ा तो एक बड़ा सा एक मीनार सा बना हुआ है, तो वो उसके अंदर भी यही लगा हुआ है, लेकिन वो ज़ाहिर है थोड़ा साइज़ में बड़ा है और वो थोड़ा मतलब मज़ीद एक्यूरेट उसमें क्या कहते हैं इक्विपमेंट है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना पोर्टेबल हैं। अच्छा, लोग ना इसको ये जो देख रहे हो ये वाला पोर्टेबल, ये क्या होता है कि आप छत के ऊपर लगा दो और कमरे में अपने ये डैशबोर्ड आप लगा लो, तो आपको कमरे के अंदर दिखता रहता है रियल टाइम में कि बाहर का वेदर क्या है, ये आपको रियल टाइम में दिखा रहा होता है। ठीक है, और इसके साथ अगर आप वो इंटरनेट की तार वार जोड़ दें तो वो फिर जो है डेटा आपका वहाँ भी जा रहा होता है साथ साथ, ये देख रहे हो इस तरह का डैशबोर्ड है। ये बड़े लोग शौकिया होते हैं वो लगाते हैं अपने घर में ना, तो हमारे भी एक दोस्त हैं अंजुम भाई, उन्होंने भी ये खुद बनाया है, मैंने भी बनाया था, लेकिन वो फिर ज़ाहिर है जो शौक तो शौक ही होता है फिर।
तो वो शौक शौक में सीख रहा था, आईओटी सीख रहा था मैं थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा यार चलो दो चार सेंसर मिला के ना बनाते हैं। फिर वो बना बना के भी वो ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। तो वेल हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमने डिफरेंट डेटा उठा के ना इसको क्या कर दिया, यहाँ पे प्लेस करवा दिया। अच्छा अब आपने ना दो काम करना है, अब आपने दो काम ये करना है, असाइनमेंट है ये आपका, सही है। अभी हमने कॉल की है एक एपीआई जिससे मिलता है करंट डेटा, जिससे क्या मिलता है करंट डेटा। आपको यहाँ पे ना दूसरी एपीआई भी कॉल करनी है, इसी के साथ आप जाएंगे ना ओपन वेदर एपीआई पे। बस हम ख़त्म करते हैं, दो मिनट में टाइम हो गया हमारा। ये देख रहे हो ये तो करंट वेदर है ना जो हमने कॉल किया, ये 3 डे का फोरकास्ट भी ये फ्री में देते हैं, 3 डे का सॉरी 5 डे का फोरकास्ट। तो हमें जो अब आपका जो असाइनमेंट है वो क्या है, वो ये है कि आप इमेजिन कर लीजिए स्क्रीन है आपकी, ठीक है। प्रॉपर आपको यूआई तैयार करनी है क्योंकि सीएसएस आप पढ़ चुके हैं थोड़ी बहुत, जितनी हो पाए, फ्लैक्स बॉक्स भी पढ़ा है हमने यहाँ पर। तो एक यहाँ पर आपके टेक्स्ट बॉक्स आ रहा हो इस जगह पर, जब आप वेदर गेट करें, ठीक है, तो वेदर क्या हो ऐसे कार्ड बना हुआ है वेदर का इधर, ठीक है, बड़ा सा उसमें टेम्परेचर लिखा हुआ है, सही है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी चीज़ें हैं वो इधर आए, सिटी का नाम यहाँ पे आए, हो जाएगा ना। वेदर ऐप बहुत सारी बनी हुई है, देख लेना किसी का कि वो कैसे उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। ये मैं आपको मोटा मोटा वायर फ्रेम बता रहा हूँ, इस तरह का कुछ आप बना के लाएं। अच्छा फिर नीचे जो है ना यहाँ पे आपके, यहाँ पे लाइन से आपके ना जो फोरकास्ट है ना, अच्छा ये डेटा अलग एपीआई से आ रहा है और ये फोरकास्ट वाला डेटा अलग एपीआई से, तो आप एक्सियोस को दो बार कॉल करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो एक कर लेना पहले ऊपर वाला, फिर नीचे वाला करना। यहाँ पे ऐसे लाइन से कार्ड बने हुए आ रहे हो, ऐसे ही हो जैसे गूगल दिखा रहा है ना लाइन से कार्ड ऐसे, और मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो पूरा ये मुझे आगे तक लेकर जाए, मतलब ऐसे आ जाए, ऐसे खड़े में बना हुआ आ जाए, लेटे में आ जाए, जैसे भी हो। तो ये आपने ना ऐसी वाली वेदर एप्लीकेशन अगली क्लास में आपने बना के लानी है, ठीक है। अभी जो हमने डेटा कॉल किया था उसने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया हमें, हमें एक ऑब्जेक्ट दिया, उसमें से चीज़ें उठा उठा के रख रहे हैं हम। ये जो फॉरकास्ट वाला है ये क्या देगा आपको, एरे देगा पूरा, और एरे के हर इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा, ठीक है, एरे के हर इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें से डेटा उठा उठा के आपने पूरा वो तैयार करना है। और इनर एचटीएमएल आप जानते हैं, इनर एचटीएमएल हम शुरू से करते हुए आए हैं, फॉर लूप आप जानते हैं, एरे के ऊपर मैप चलाना आप जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं। इस असाइनमेंट का मकसद ये है कि आपकी ऑब्जेक्ट की जो है प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में इसी जगह पे इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा, इंटरनेट से जब कम्युनिकेशन करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। तो आपने क्या करना है, आपने दो एपीआई कॉल करनी है, एक करंट वेदर की, एक फोरकास्ट वाली, और दोनों का डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। ज़ाहिर है वो ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट को आपने जब मैनिपुलेट करेंगे, उसके ऊपर आइटरेट करेंगे, उसमें से डेटा निकाल के स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे, तो आपके जहन में बहुत सारे सवालात भी आएंगे होपफुली, और आप जहाँ जहाँ फंसेंगे वो जो जहाँ फंसना होगा वो फंस फंस के ना सारे मसले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ये ऐप बनाने के बाद। तो मैं उम्मीद रखूँ कि ये बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।